दोस्तों महाभारत के 18 दिन चले युद्ध में कौन से दिन क्या हुआ था, कौन कौन से योद्धाओं ने किस किस की तरफ से युद्ध किया था, और कौरवों में 3 योद्धा तो ऐसे थे जब ये लड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो एक दिन में ही पांडव सेना का खात्मा कर डालेंगे। हालांकि पांडव सेना में भी बहुत से महायोद्धा उपस्थित थे और भी बहुत से गुमनाम योद्धा जिनकी चर्चा भले ही कम की जाती है, लेकिन रणभूमि में इन्होंने जीत के झंडे गाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा दावा है कि महाभारत युद्ध का इतना विस्तार के साथ वीडियो YouTube पर दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। युद्ध में ऐसे ऐसे योद्धाओं के बारे में बताऊंगा जिनके पराक्रम के आगे एक पल के लिए भगवान भी सोच में पड़ गए थे। कुछ कौरव योद्धाओं ने तो भगवान कृष्ण को भी घायल कर दिया था। दुनिया के इतिहास में महाभारत जैसा युद्ध ना तो कभी हुआ है और शायद ना कभी होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए महाभारत युद्ध के इस रोमांचक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दिन के युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाएं हाथी, घोड़ों, पैदल सैनिकों के साथ रणभूमि में एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं, तथा सभी महारथी योद्धा भी अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ मैदान में पहुंच जाते हैं। इस महायुद्ध को देखने के लिए गंधर्व, पितर, ऋषि मुनि, देवता आदि वहां पर उपस्थित हुए थे। सबसे पहले युधिष्ठिर अपने कवच को खोलकर और अस्त्रों को जमीन पर डालकर हाथ जोड़कर पितामह भीष्म की ओर जाते हैं। तब सभी लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तब उनके साथ उनके भाई भी चलने लगते हैं। कौरव सैनिक सोचने लगते हैं कि अरे यार, यह पांडव तो अभी से डर गए, इसलिए शायद युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास अपने प्राणों की भीख मांगने आ रहे हैं। सब सोचने लगे कि पता नहीं जब ये भीष्म के पास जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन युधिष्ठिर जैसे ही भीष्म के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले पितामह भीष्म के पैर दबाते हैं और उनसे बोलते हैं कि पितामह, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे आपसे युद्ध करने की आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। यह देखकर पितामह भीष्म बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें युद्ध में पराजित होने का शाप दे देता, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें युद्ध करने की आज्ञा देता हूँ। इसके अलावा जो कुछ तुम मांगना चाहो मांग सकते हो। तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि आपको पराजित कर सके ऐसा तो कोई योद्धा मुझे रणभूमि में दूसरा कोई दिख नहीं रहा है। यदि स्वयं इंद्र देवताओं के साथ आकर आपसे युद्ध करेंगे तब भी आपको हराना असंभव है, तो कृपया करके आपकी मृत्यु कैसे होगी यह राज आप मुझे बता दीजिए। तब भीष्म कहते हैं कि अभी मेरा मृत्यु काल नहीं आया है, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए तुम फिर कभी बाद में आना। मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम मार्गदर्शन के लिए मेरे पास कभी भी आ सकते हो। इसके बाद युधिष्ठिर दूसरे कौरव योद्धा एवं कौरव और पांडवों के गुरु गुरु द्रोण के पास में जाकर उन्हें प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और गुरु द्रोण से अपने हित की बात पूछते हुए बोलते हैं कि मैं आपसे किस प्रकार युद्ध करूं कि मुझे किसी भी प्रकार का अपराध न लगे और मैं शत्रुओं पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकता हूं। तब गुरु द्रोण कहते हैं कि यदि युद्ध का निश्चय कर लेने पर भी तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही मैं तुम्हें पराजय का वर देता, लेकिन तुम मेरे पास आए इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें युद्ध करने की आज्ञा देता हूँ, जाओ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि जिसके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हों भला उसे कौन हरा सकता है। तब युधिष्ठिर पूछते हैं कि हम आप पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं और कृपया करके आपकी मृत्यु का उपाय भी बताएं। तब गुरु द्रोण कहते हैं कि जब तक मैं रणभूमि में रहूंगा तब तक तुम्हारी जीत नहीं हो सकती है, इसलिए तुम सभी भाई लोग मिलकर कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरी मृत्यु शीघ्र हो जाए। जब तक युद्ध भूमि में मैं टिका रहूंगा कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा। जब तक मेरे हाथ में हथियार हैं और मैं रथ में सवार हूं तब तक मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है,
लेकिन जब मैं हथियार डालकर अचेत सा होकर आमरण अनशन पर बैठ जाऊं, उस समय यदि कोई श्रेष्ठ योद्धा मेरे ऊपर बाण चलाए तो मेरी मृत्यु हो सकती है। और मैं हथियार तभी डाल सकता हूं जब युद्ध भूमि में कोई अत्यंत अप्रिय समाचार सुन लूं। इसके बाद युधिष्ठिर गुरु द्रोण को प्रणाम करके और बोलते हैं कि गुरुवर, मैं पाप रहित होकर आपसे युद्ध करने की आज्ञा चाहता हूं। आपकी आज्ञा पाकर मैं शत्रुओं पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकता हूं? कृपाचार्य उन्हें विजय का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर उनके मामा मद्रराज शल्य के पास जाकर विजय का आशीर्वाद प्रदान करके वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण के पास जाकर बोलते हैं कि हमने सुना है भीष्म से द्वेष होने के कारण जब तक भीष्म युद्ध करेंगे तब तक तुम युद्ध नहीं करोगे, तो तुम ऐसा करो जब तक कि भीष्म जिंदा हैं, तुम पांडवों की ओर से युद्ध कर लो। जब भीष्म की मृत्यु हो जाए तो वापस कौरवों की साइड चले जाना। लेकिन कर्ण बोलते हैं कि मैं दुर्योधन के साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं उसके लिए अपने प्राणों तक को न्योछावर कर सकता हूँ, मैंने अपना शरीर दुर्योधन को दान कर दिया है। यह सुनकर भगवान कृष्ण वापस आ जाते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर पांडव सेना के बीच खड़े होकर बोलते हैं कि जो कोई हमारी सहायता करने के लिए हमारी साइड आना चाहता है वह आ सकता है, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। तब कौरवों का सौतेला भाई युयुत्सु डंका बजाते हुए पांडवों की सेना में शामिल हो जाता है। इसके बाद दोनों पक्ष के लोग अपने अपने रथों में बैठ जाते हैं और दोनों तरफ के लोग व्यूह तैयार कर लेते हैं। एक तरफ से कौरव भीष्म को आगे करके पांडवों की तरफ बढ़ते हैं तथा पांडव भीमसेन को आगे करके कौरवों की ओर बढ़ते हैं और चिल्लाते हुए एक दूसरे पर हमला बोल देते हैं। इसके बाद चारों ओर भयंकर मारकाट मचने लगती है। एक तरफ से भीमसेन बिजली की कड़कड़ाहट के समान भयंकर गर्जन करते हैं जो इतनी तेज होती है कि हाथी घोड़े आदि सभी की आवाज को दबा देती है। भीमसेन की आवाज को सुनकर कौरव सेना घबरा जाती है और हाथी घोड़े मलमूत्र करने लगते हैं। इसके बाद भीमसेन कौरवों की सेना पर टूट पड़ते हैं। भीमसेन को देखकर दुर्योधन के भाई भीमसेन को चारों ओर से घेर कर बाणों की बौछार करके बादलों की तरह भीमसेन को ढक देते हैं। दुर्योधन के भाई दुर्मुख दुसल सल दुशासन दुमर्षण विभिंसती विकर्ण पुरुमित्र जयभोज तथा भूरी सिरबा सभी मिलकर भीमसेन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाते हैं। तभी वहां पर द्रौपदी के पांच पुत्र महारथी अभिमन्यु द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न यह सभी वहां पहुंच जाते हैं और दुर्योधन के भाइयों को बाणों के द्वारा छेदने लगते हैं। यह युद्ध इतना भयंकर था कि धूल की वजह से सूर्य दिखना भी बंद हो गया था। दोनों ओर के लोग लड़ते हुए कभी आगे निकल जाते तो कभी भागकर वापस आ जाते। कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि कौन किधर से लड़ रहा है। हाथियों की आवाज, घोड़ों के चाबुक की आवाज, पैदल सैनिकों की आवाज, दोनों ओर से चलने वाले योद्धाओं के बाणों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। चारों ओर भयंकर भगदड़ मच रही थी। भीष्म ने अर्जुन पर तथा अर्जुन ने भीष्म पर हमला बोल दिया। यह दोनों ही कुरुकुल के शेर थे। भीष्म अर्जुन को घायल करके भी उन्हें विचलित नहीं कर पाए तथा अर्जुन भी भीष्म को युद्ध में हिला नहीं पाए थे। इधर सात्यकी जो कि पांडवों की ओर से थे कृत वर्मा पर टूट पड़े और उन दोनों में भी भयंकर रोमांचककारी युद्ध होने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को अपने बाणों के द्वारा घायल कर देते हैं। पांडवों की ओर से अभिमन्यु ने बृहदल के साथ युद्ध प्रारंभ किया लेकिन बृहदल ने अभिमन्यु के रथ का ध्वज काट दिया और उसके सारथी को भी मार गिराया, जिससे अभिमन्यु को गुस्सा आ गया और उसने बृहदल को 9 बाणों से घायल कर दिया और बृहदल के रथ का ध्वज काटकर उसके सारथी को भी मार गिराया। इसके बाद बृहदल और अभिमन्यु में भयंकर युद्ध चलता रहता है। इधर भीमसेन और दुर्योधन एक दूसरे से भयंकर युद्ध करने लग गए। दुशासन ने पांडवों के भाई नकुल को
अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद नकुल ने आगे बढ़कर दुशासन को 25 बाणों से घायल कर दिया तथा उसके रथ की ध्वजा काट गिराई। दुर्योधन के भाई दुर्मुख ने सहदेव को घायल कर दिया तो सहदेव ने दुर्मुख के सारथी को मार गिराया। युधिष्ठिर ने मद्रराज शल्य पर हमला बोल दिया। शल्य ने युधिष्ठिर के धनुष के दो टुकड़े कर दिए तथा युधिष्ठिर जल्दी से दूसरा धनुष उठाकर शल्य को बाणों से ढक दिया। पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न गुरु द्रोण से युद्ध करने लगा। तब गुरु द्रोण ने धृष्टद्युम्न के धनुष के 3 टुकड़े कर दिए तथा एक तीक्ष्ण बाण से उसके सीने को छेद दिया। धृष्टद्युम्न ने भी जल्दी से दूसरा धनुष लेकर गुरु द्रोण पर बाण चलाकर उन्हें घायल कर दिया। फिर दोनों में भयंकर युद्ध चलता रहा। इसी प्रकार निम्न योद्धा आपस में एक दूसरे से भयंकर युद्ध करने लगे। शंखड़ भूरी सिरवा से, धृष्ट केतु बाहरी कपर से, घटोत्कच अलम्बुस से, शिखंडी अश्वत्थामा से, विराट भगदत्त से, भरतछत्र कृपाचार्य से, द्रुपद जयद्रथ से, सुतसोम विकर्ण से, सुशर्मा चैकितान से, प्रतिविंध्य शकुनि से, श्रुतकर्मा सुदक्षिण से, इरावन श्रुतायुष से, कुंती भोज बिंद अनुबिंद से, श्रेष्ठ वीरबाहु से। इस प्रकार दोनों ओर के कई महारथी योद्धा एक दूसरे से भिड़ गए। पैदल सैनिक से, हाथी वाला हाथी वाले से, घोड़ा वाला घोड़े वाले से आपस में घमासान युद्ध करने लगे। जहां तक नजर जाती थी वहां तक बस लड़ते हुए सैनिक ही नजर आते थे। कई रथों के पहिए टूटकर गिर गए। कई रथ आपस में टकराने से ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। हाथियों के आपस में लड़ने के कारण कई हाथियों के दांत टूटकर गिर गए तथा उनकी सूंड भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण वह जोर जोर से चिल्लाने लगे तथा कई हाथी तो अपने प्राण खोकर जमीन पर धराशायी हो गए। सैनिकों के हाथों के हथियार खून से रंगे हुए थे। सैनिक तलवारों से गाजर मूली की तरह एक दूसरे को काटे जा रहे थे। कोई हाथी रथों घोड़ों की टापों में दबकर मर रहा था तो कोई युद्ध भूमि में आधा कटा हुआ पड़ा था। किसी का शरीर छिन्न भिन्न हो गया था। हाथी कई लोगों को कुचल रहे थे। कई रथों को भी हाथी अपनी सूंड से उठा उठा कर फेंक रहे थे। चारों तरफ हथियारों हाथी घोड़ों और सैनिक की आवाज छा रही थी। आधे कटे छिन्न भिन्न लोग अपने सगे संबंधियों को पुकार रहे थे। पहले दिन का आधा भाग समाप्त हो चुका था। इसके बाद में दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य और विभिन्न सती भीष्म की रक्षा के लिए आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद भीष्म पांडवों की सेना में घुसकर कोहराम मचा देते हैं। यह देखकर पांडवों की तरफ से अभिमन्यु आते हैं और भीष्म के रक्षकों तथा भीष्म पर तीक्ष्ण बाणों से हमला कर देते हैं और फुर्ती दिखाते हुए एक बाण से कृतवर्मा, 5 बाणों से शल्य तथा 9 बाणों से भीष्म को चोट पहुंचाते हैं तथा एक बाण से दुर्मुख के सारथी का सिर धड़ से उड़ा देते हैं। अभिमन्यु भीष्म की रक्षा करने वाले सभी साथियों को घायल कर देते हैं। यह देखकर भीष्म ने 3 बाणों से अभिमन्यु को घायल कर दिया तथा 3 बाणों से अभिमन्यु के सारथी को लुढ़का दिया यानी मार दिया। अभिमन्यु इन 5 लोगों द्वारा गिर जाने के बाद भी उन पर बाणों की वर्षा करता रहता है। फिर भीष्म और अभिमन्यु का भयंकर युद्ध चलता रहा। अभिमन्यु भीष्म के सभी बाणों को अपने बाणों से काट देता था तथा उसने भीष्म के ध्वज को भी छिन्न भिन्न कर डाला था। इसके बाद भीष्म अभिमन्यु पर हजारों बाणों की वर्षा कर देते हैं, लेकिन तुरंत ही पुत्र सहित विराट, धृष्टद्युम्न, भीमसेन तथा 5 भाई कैकेयी राजकुमार तथा सात्यकी पांडव पक्ष के महान धर्मुधर अपने रथों को लेकर अभिमन्यु की रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। इसके बाद भी भीष्म धृष्टद्युम्न को 3 तथा सात्यकी को 9 बाणों से चोट पहुंचाते हैं। एक बाण से भीमसेन की ध्वजा काट डालते हैं। यह देखकर भीमसेन भी कम नहीं थे। वह भीष्म को 3, कृपाचार्य को 1 तथा कृतवर्मा को 8 बाणों से घायल कर देते हैं। इसी समय विराट पुत्र उत्तर हाथी के द्वारा शल्य पर हमला करके
उसके रथ को चूर चूर कर देता है, लेकिन शल्य फुर्ती दिखाते हुए उससे उतर जाता है और हाथी और दोनों को मौत के घाट उतार देता है तथा कृत वर्मा के रथ में सवार हो जाता है। अपने भाई को मरा हुआ देखकर विराट पुत्र श्वेत को क्रोध आ जाता है तथा वह शल्य पर बाणों की बौछार कर देता है। यह देखकर कौरव पक्ष के योद्धा भी श्वेत पर बाणों की वर्षा कर देते हैं। इस प्रकार विराट पुत्र श्वेत और कौरवों के योद्धाओं में महायुद्ध होने लगता है और दोनों डटकर मुकाबला करते हैं। श्वेत ने अपने पराक्रम से कौरवों की सेना की नाक में दम कर दिया था और वह शल्य को मारने ही वाला था। तभी दुर्योधन ने भीष्म को आगे करके श्वेत के रथ पर चढ़ाई कर दी और शल्य को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। भीमसेन, सात्यकी, कैकेय राजकुमार, राजा विराट तथा धृष्टद्युम्न, यह पांचों चेदी तथा मत्स्य देश के राजाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। इसके बाद विराट, श्वेत तथा शिखंडी ने मिलकर भीष्म के रथ पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि भीष्म श्वेत को मारना चाहते थे। इसके बाद भीष्म ने अपना पराक्रम दिखाना प्रारंभ किया, कई रथों को रथियों से शून्य कर दिया। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से सूर्य के प्रकाश को ढक दिया। उनके द्वारा चलाए गए बाणों ने कई लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए। भीष्म ने कई हाथी और घोड़ों को भी युद्ध भूमि में धराशायी कर दिया। पितामह भीष्म के बाणों ने पांडव सेना में कोहराम मचा रखा था और पांडव सेना भीष्म के प्रहार से कांपने लगी थी। उन्होंने पांडव सेना में भगदड़ मचा दी थी। हाथी, घोड़े, सैनिक, रथ एवं उनके सारथी उनके बाणों से ताज के पत्तों की तरह बिखरते जा रहे थे। उनके सामने युद्ध करने वाला ऐसा कोई नहीं बचा था जो कि घायल ना हुआ हो। हालांकि पांडवों की तरफ से भी श्वेत ने कई कौरव सैनिकों को घायल कर दिया था। श्वेत ने भी कौरव पक्ष में कोहराम मचा दिया था। यह देखकर भीष्म की रक्षा करने वाले सभी योद्धा भाग खड़े हुए और दूर से ही भीष्म को दर्शक की भांति देखने लगे। लेकिन भीष्म अभी भी शत्रुओं के सामने चट्टान बनकर मैदान में डटे हुए थे। इसके बाद तो पितामह भीष्म ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया था। उन्होंने पांडव पक्ष को चिंता में डाल दिया था। उनका मुकाबला श्वेत कर रहे थे, लेकिन श्वेत को उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया था। यदि श्वेत पांडवों की सेना की रक्षा न करते तो पहले दिन में ही भीष्म पांडवों की पूरी सेना का संहार कर डालते। लेकिन श्वेत ने भीष्म के हाथों पांडव सेना का संहार होने से रोके रखा था। इसके बाद दुर्योधन की आज्ञा से कौरव पक्ष के योद्धा भीष्म की रक्षा के लिए मैदान में आ जाते हैं। अभी भी श्वेत और भीष्म का भयंकर युद्ध चल रहा था। इसके बाद श्वेत अपने बाणों से भीष्म को घायल कर देते हैं और उनके रथ की ध्वजा काट देते हैं। तभी दुर्योधन के आदेश से वाहरी, कृतवर्मा, सल, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन और विभिन्सती कौरव योद्धा भीष्म की रक्षा के लिए आ जाते हैं और श्वेत पर बाणों की वर्षा कर देते हैं। लेकिन श्वेत अकेला ही इन सबके बाणों को रोक देता है। इसके बाद भीष्म और श्वेत का रणभूमि में भयंकर युद्ध चलता रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद भीष्म श्वेत को मार गिराते हैं। श्वेत के मारे जाने के बाद पांडव अपनी सेना को पीछे हटा लेते हैं। इसके बाद पांडव पक्ष से संखड़ शल्य को मारने के लिए उस पर बहुत से बाण चलाते हैं, लेकिन भीष्म शल्य को बचाकर संखड़ पर बाणों की बौछार करने लगते हैं। लेकिन तुरंत ही अर्जुन वहां आकर संखड़ की रक्षा करते हैं। इसके बाद भीष्म ने द्रुपद और उसकी सेना को भी मार भगाया। पांडव पक्ष के बहुत से सैनिक मारे गए, बहुत से भाग गए, बहुत से रोम दिए गए। यह सब देखकर पांडव सेना में हाहाकार मच गया। पांडव सेना का उत्साह शून्य हो चला था, क्योंकि भीष्म पांडव पक्ष के रथियों को नाम ले लेकर बुला बुला कर मौत के घाट उतार रहे थे। यह सब देखकर पांडवों ने अपनी सेनाएं पीछे की ओर हटा ली थी और इसी के साथ में प्रथम दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। इस दिन पांडव पक्ष से विराट पुत्र उत्तर और श्वेत मारे जाते हैं और कौरव पक्ष मजबूत रहता है। अब सुनिए दूसरे दिन क्या हुआ। पहले दिन भीष्म का प्रचंड रूप देखकर युधिष्ठिर अन्य राजाओं के साथ मिलकर
भगवान कृष्ण के पास गए और भीष्म को लेकर अपनी चिंता प्रकट की और कहा कि यदि भीष्म ऐसे ही हमारी सेना का संहार करेंगे तो ऐसे तो एक एक करके हमारे सभी सैनिक मारे जाएंगे। भीष्म को रोक सके ऐसा कोई योद्धा हमारे पास नहीं है और केवल भीमसेन ही अपनी पूरी क्षमता से युद्ध कर रहा है। बाकी अर्जुन तो सही से युद्ध कर नहीं रहा है जबकि उन्हें सभी अस्त्रों शस्त्रों का पूरा ज्ञान है। भीम अकेला लड़ेगा तो भी वह 100 वर्ष में भी शत्रु सेना को समाप्त नहीं कर पाएगा। मैं राजपाट के लिए अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता, इससे अच्छा तो मैं वन में चला जाऊंगा और वहीं अपना जीवन यापन करूंगा। आप मुझे बताएं कि क्या करना सही होगा। और युधिष्ठिर बहुत चिंता में डूब जाते हैं। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि चिंता मत करो, कल शिखंडी भीष्म को युद्ध में हरा देगा, जीत अपनी ही होगी ये निश्चित है। इसके बाद दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हो जाता है और पांडव पक्ष से धृष्टद्युम्न सेनापति बनाए जाते हैं जो कि क्रौंच व्यूह की रचना करते हैं, जिसमें राजा द्रुपद अपनी विशाल सेना के साथ व्यूह के सिरे पर थे। कुंती भोज और धृष्टकेतु यह दोनों नेत्रों के स्थान पर थे। दशार्णक दशरथ समूहों के साथ प्रवर्धक अनुपक किरातगण गर्दन के स्थान पर खड़े हुए थे। पटच्चर पौंड्र पौरव तथा निषादों के साथ स्वयं राजा युधिष्ठिर पृष्ठ भाग में खड़े हुए थे। भीमसेन और धृष्टद्युम्न क्रौंच पक्षी के दोनों पंखों के स्थान पर खड़े हुए थे। अभिमन्यु सात्यकी के साथ पिशाच दारद पुंड्र कुंडीविश मारुत धैनुक तगण परतगण वहारी तित्तिर चोल तथा पांडे यह दोनों पक्षों के लोग दाहिनी ओर खड़े हुए थे। अग्निवैश्य हुंड मालव दानभारी सवर उध्वस वत्स के साथ नकुल तथा सहदेव दोनों भाई क्रौंच पक्षी के बाईं ओर खड़े हुए थे। इस क्रौंच व्यूह में पंखों के स्थान पर 10,000 ऊपर के भाग में 1,00,000 पीठ वाले भाग में 1,20,000 तथा गर्दन वाले भाग में 1,70,000 रथ मौजूद थे। राजा विराट कैकेय राजकुमार के साथ कमर के अग्रभाग की रक्षा करते थे। साथ में काशीराज वत्सैव्य भी 30,000 सैनिकों के साथ उनकी रक्षा में थे। इस प्रकार पांडव क्रौंच व्यूह की रचना करके सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। यह पूरा व्यूह अर्जुन के द्वारा सुरक्षित था। इसी समय कौरव पक्ष के लोग भी एक ऐसे व्यूह की रचना करते हैं जो पांडवों के व्यूह से मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम था, जिसमें भीष्म चारों ओर से सेना के घेरे में थे। उनके पीछे महाधनुधर द्रोणाचार्य थे। उस समय कुंतल दशार्ण माघध विदर्भ मैकल तथा कर्ण प्रावरण के राजाओं की सेना के साथ साथ गांधार सिंधु सौबीर सिबि तथा बसाती देश के वीर क्षत्रिय भीष्म की रक्षा में लगे हुए थे। शकुनी अपनी सेना के साथ में द्रोण की रक्षा में लगे हुए थे तथा दुर्योधन तथा उसके भाई विकर्ण अम्बुष्ट कौशल दरद शक क्षुद्रक तथा मालव देश के राजाओं के साथ शकुनी की रक्षा में लगे हुए थे। भूरी सिरवा सल शल्य भगदत्त बिंद अनुबिंद लेफ्ट साइड की रक्षा कर रहे थे। सोमदत्त भूरी त्रिगर्त राज सुशर्मा सुदक्षिण श्रुतायु तथा अपतायु राइट साइड की रक्षा कर रहे थे। अश्वत्थामा कृपाचार्य कृत वर्मा अपनी विशाल सेना के साथ में पिछले भाग में खड़े हुए थे। केतुमान वसुदान अभिभू अपनी सेनाओं के साथ पिछले भाग की रक्षा में खड़े थे। फिर दोनों ओर के लोग शंख बजाकर युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले भीष्म ने अभिमन्यु भीमसेन सात्यकी कैकेय राजकुमार विराट धृष्टद्युम्न तथा चेदी और मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। दोनों ओर के संघर्ष के कारण सेनाओं का व्यूह भंग हो गया और दोनों ओर की सेनाएं आपस में मिल गईं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जहां भीष्म है वहां रथ ले चलो, नहीं तो यह भीष्म पूरी पांडव सेना को समाप्त कर देंगे। तब श्री कृष्ण रथ को भीष्म के रथ के पास ले जाते हैं। अर्जुन रास्ते में बहुत से कौरव योद्धाओं का विनाश कर देते हैं। इसके बाद भीष्म और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है।
भीष्म और उनके रक्षक योद्धा द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, शल्य, जयद्रथ, शकुनी तथा विकर्ण मिलकर अर्जुन को 240 भल्ल नामक बाणों से बींद ढालते हैं, लेकिन अर्जुन का कुछ भी नहीं होता है। फिर वह अपने बाणों से भीष्म तथा उनके योद्धाओं को अपने कई बाणों से बींद डालते हैं। इसके बाद विराट, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु, यह सब अर्जुन की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। द्रोण धृष्टद्युम्न पर अपने बाणों से हमला कर देते हैं। भीष्म अर्जुन के ऊपर कई बाण चलाकर उसे बींद डालते हैं। इसके बाद अर्जुन कौरव सेना के अंदर घुसकर कोहराम मचा देते हैं। कई कौरव सैनिकों का राम नाम सत्य कर देते हैं। कौरव सेना का संहार देखकर दुर्योधन चिंतित हो जाता है और भीष्म से आकर कहता है कि आपके और द्रोण के होते हुए भी यह अर्जुन कौरव सेना को मारते ही जा रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक तो आपकी वजह से ही कर्ण युद्ध नहीं कर रहा है, नहीं तो वह मेरा हमेशा हित करने वाला था। आप जल्द ही कुछ ऐसा उपाय करें जिससे जल्द ही यह अर्जुन मारा जाए। इसके बाद भीष्म को क्रोध आ जाता है। वह कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय धर्म को, और अपने रथ को अर्जुन की तरफ मोड़ देते हैं। साथ ही अश्वत्थामा, दुर्योधन तथा विकर्ण भी भीष्म को घेर कर उनके लिए खड़े हो जाते हैं, तथा इसी प्रकार पांडव भी अर्जुन को घेर कर वहां युद्ध के लिए डटे रहते हैं। भीष्म अर्जुन को 9 बाणों से बींद डालते हैं, तो अर्जुन भी भीष्म को 10 मर्मभेदी बाणों से बींद डालते हैं। इसके बाद अर्जुन ने भीष्म को 1000 बाण चलाकर ढक दिया, लेकिन शीघ्र ही भीष्म ने अर्जुन के सभी 1000 बाणों को काट दिया। इस प्रकार दोनों में रोमांचककारी युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने भीष्म का रथ छिन्न भिन्न कर दिया था, तथा भीष्म ने भी अर्जुन का रथ छिन्न भिन्न कर दिया था। इसके बाद भीष्म ने अपना पराक्रम दिखाते हुए अर्जुन को बींद डाला, तथा अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण को 3 तीक्ष्ण बाणों के द्वारा छाती में गहरी चोट पहुंचाई। घायल होकर श्री कृष्ण रणभूमि में ही बैठ गए। यह देखकर अर्जुन को क्रोध आ गया। दोनों एक दूसरे का वध करना चाहते थे, लेकिन कोई भी रणभूमि में घातक प्रहार नहीं कर पाया, क्योंकि यह दोनों ही योद्धा अजय थे, इन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। वहीं दूसरी ओर द्रोण तथा धृष्टद्युम्न का भी भयंकर युद्ध चल रहा था, लेकिन कोई भी किसी पर पार ना पा सका। इसी के साथ ही भीमसेन का कालिंगों तथा निषादों की सेना से भयंकर युद्ध हुआ, तथा भीमसेन ने शकदेव, भानुमान, केतुमान का वध करके कौरवों की बहुत सी सेना का संहार कर दिया था। अब तक दूसरे दिन का आधा भाग समाप्त हो चुका था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच भयंकर घमासान युद्ध हुआ और दोनों पक्षों ने डटकर मुकाबला किया। इसी के साथ दूसरे दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है, और इस दिन कौरवों की ओर से कालिंगराज, भानुमान, केतुमान तथा अन्य कालिंगवीर मारे जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि तीसरे दिन के युद्ध में क्या हुआ था। इस दिन कौरवों ने गरुण व्यूह की रचना की, जिसमें चोंच के स्थान पर भीष्म खड़े थे, कृत वर्मा और द्रोण दोनों नेत्रों के स्थान पर खड़े थे, अश्वत्थामा और कृपाचार्य ऊपरी भाग में खड़े थे, त्रिगर्त, बाणधान भी इनके साथ युद्ध भूमि में खड़े थे, भूरी सिरवा, सल, शल्य, भगदत्त ये जयद्रथ के साथ गर्दन वाले भाग में खड़े थे। इनके साथ में मद्र, सिंधु, सौबीर, पचनत देश के योद्धा भी थे। दुर्योधन अपने भाइयों तथा रक्षकों के साथ पीछे वाले भाग में खड़ा हुआ था, तथा बिंद, अनुबिंद, काम्बोज, शक, सूरसेन देश के योद्धा उस महाव्यूह के पूंछ वाले भाग में खड़े हुए थे। माघध, कालिंग देश के योद्धा दासेरक गणों के साथ राइट साइड वाले पंख पर खड़े हुए थे। कारुस, विकुंड, कुंड और कुंडीविस आदि योद्धा बृहदल के साथ लेफ्ट साइड वाले पंख पर खड़े हुए थे। इस दिन पांडवों ने अपना अर्धचंद्राकार व्यूह तैयार किया था, जिसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन विराजमान हुए। उसके साथ विराट तथा द्रुपद भी खड़े थे। उसके बाद नील तथा नील के बाद धृष्टकेतु खड़े हुए थे। धृष्टकेतु के साथ चैदी, काशी, करुष और कौरव आदि देश के सैनिक भी थे। धृष्टद्युम्न, शिखंडी,
तथा पांचाल युद्ध के लिए उस सेना के मध्य भाग में खड़े हुए थे। हाथियों की सेना से घिरे हुए युधिष्ठिर भी वहीं पर थे। इसके बाद सात्यकी और द्रौपदी के पांच पुत्र खड़े हुए थे। इसके बाद अभिमन्यु तथा उसके बाद अर्जुन पुत्र एरावन थे। एरावन के बाद घटोत्कच, इसके बाद महारथी कैकेयी खड़े हुए थे। अर्जुन शिखर के स्थान में खड़े हुए थे, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाएं तैयार हुई और एक बार फिर से भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। द्रोण से सुरक्षित होने के कारण कोई भी कौरवों के चक्रव्यूह को भेद न सका। इसी प्रकार अर्जुन तथा भीम से सुरक्षित होने के कारण पांडवों के चक्रव्यूह को भी किसी में भेदने की क्षमता नहीं हुई। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापों की आवाज, धनुष बाणों के टंकार, तलवार फरसों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। चारों तरफ धूल उड़ रही थी। कटे पिटे सैनिक, हाथी, घोड़े और खून पड़ा हुआ था। कौरव पक्ष के लोग अर्जुन को घेर कर उन पर बाणों, फरसों, गदा, मूसल आदि अस्त्रों शस्त्रों से वर्षा कर देते हैं, लेकिन वीर अर्जुन सभी के अस्त्रों शस्त्रों को काट देते हैं। यह देखकर देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस आदि सभी अर्जुन की प्रशंसा करने लगते हैं। उधर सात्यकी और अभिमन्यु ने रणभूमि में सुबल के पुत्रों सहित गांधार देश के सूरवीरों पर हमला कर देते हैं। रणभूमि में सुबल के पुत्र भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सात्यकी का रथ छिन्न भिन्न कर देते हैं। यह देखकर सात्यकी तुरंत ही अपने रथ को छोड़कर अभिमन्यु के रथ में आ जाते हैं। फिर दोनों एक ही रथ पर बैठकर सुबल तथा शकुनी की सेना का संहार करने लगते हैं। इधर द्रोण और भीष्म भी युधिष्ठिर की सेना का संहार करने लगते हैं। यह देखकर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रोणाचार्य की सेना पर धावा बोल देते हैं। भीमसेन और घटोत्कच भी मिलकर कौरवों की सेना को खदेड़ना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन दुर्योधन आकर उनको तुरंत ही रोक देता है। भीमसेन अपने बाण से दुर्योधन की छाती में घात करता है, जिससे दुर्योधन मूर्छित हो जाता है। यह देखकर उसका सारथी उसे युद्ध भूमि से दूर ले जाता है। यह देखकर कौरवों की सेना में भगदड़ मच जाती है। भीम, धृष्टद्युम्न, द्रुपद कौरवों की सेना को खदेड़ना प्रारंभ कर देते हैं। भीष्म और द्रोण के रोकने पर भी कौरवों की सेना भागती ही चली जाती है। इसके बाद दुर्योधन की मूर्छा दूर हो जाती है और फिर से सभी सैनिक अपने अपने स्थान पर आने लगते हैं। इसके बाद दुर्योधन भीष्म के पास आकर बोलते हैं कि मैं नहीं मानता कि आपके गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा के समान बलवान कोई दूसरा योद्धा यहाँ उपस्थित है। आप लोगों के जिंदा होते हुए भी मेरी सेना रण क्षेत्र से भाग रही है। जरूर ही आप पांडवों पर कृपा करना चाहते हैं। मेरी यह बात सत्य है। यदि आप पहले ही बोल देते कि आप पांडवों से युद्ध नहीं करोगे, तो कम से कम कर्ण तो मेरे साथ होता। कृपया आप शक्ति और क्षमता के साथ युद्ध करिए। तथा यह सुनकर भीष्म को गुस्सा आ जाता है और वह बोलते हैं कि मैं तो वैसे ही बूढ़ा आदमी हूँ, जितना मुझसे बन रहा है उतना कर रहा हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि स्वयं इंद्र पांडवों को युद्ध में नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी तुम देखना कि मैं पांडवों की सेना को कैसे खदेड़ता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं और भीष्म पांडव सेना में मौत बनकर तांडव करना प्रारंभ कर देते हैं। वह चारों तरफ पांडवों की सेना को अपने बाणों से छेदते रहते हैं। वह कभी पूर्व में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में दिखाई देते हैं। वह अकेले थे, किंतु पांडवों को ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ हजारों भीष्म एक साथ युद्ध कर रहे हों। वह बहुत ही भयंकर तरीके से पांडव सेना का संहार करते ही जा रहे थे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वह सैनिकों को कीट पतंगों की तरह अपने बाणों से छेदते जा रहे थे। पांडवों को भीष्म किधर है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रणभूमि में चारों ओर उनके ही बाण नजर आ रहे थे। यदि कोई भी उनके सामने आ जाता तो एक पल में ही नीचे पड़ा हुआ मिलता था। वह हाथी, घोड़ों तथा सैनिकों के कंपशों को भी एक पल में ही छेदते जा रहे थे। उन्होंने पांडवों की सेना में कोहराम मचा दिया था और पूरी सेना को इधर उधर छितर बितर कर दिया था।
भीष्म का संहार देखकर पांडव सेना कांपने लगी थी। उनके प्रहार से एक एक सैनिक भागता हुआ नजर आ रहा था। रथ भी छिन्न भिन्न हो गए थे। भगदड़ में कुछ लोगों ने अपने ही साथियों को मार गिराया। भीष्म का इतना प्रचंड कोहराम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ एक स्थान पर खड़ा करके उनसे कहा कि यदि तुम्हारा मोह समाप्त हो गया हो तो अब थोड़ा शक्ति के साथ युद्ध कर लो, क्योंकि तुम्हारी सेना इधर उधर भाग रही है। ऐसे ही चला तो सब के सब मारे जाएंगे। इसके बाद अर्जुन कृष्ण को अपना रथ भीष्म की ओर ले जाने को कहते हैं। फिर अर्जुन की हिम्मत को देखकर पांडवों की सेना वापस युद्ध भूमि में आने लगती है। अर्जुन को आता हुआ देखकर भीष्म उस पर इतने बाण चलाते हैं कि वह अर्जुन कृष्ण और उनके रथ और घोड़े सभी को ढक देते हैं। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण धैर्य से अपना रथ हटा लेते हैं, लेकिन उनके रथ और घोड़े बाणों से छिद जाते हैं। फिर भीष्म और अर्जुन में भयंकर युद्ध होने लगता है और दोनों एक दूसरे के बाणों को काटते रहते हैं, लेकिन भीष्म अपने पहने बाणों से अर्जुन तथा श्री कृष्ण दोनों को घायल कर देते हैं। भीष्म अपने बाणों से अर्जुन तथा श्री कृष्ण की सभी दिशाओं को ढक देते हैं। रोष में आकर उसने कृष्ण और अर्जुन को कई बार घायल करके भगवान कृष्ण को कंपित कर दिया था। यह देखकर भगवान सोचने लगे कि भीष्म भीषण संहार कर रहा है और अर्जुन इतनी कोमलता से युद्ध कर रहे हैं। भीष्म पांडवों के अच्छे अच्छे योद्धाओं को छांट छांट कर मार रहे हैं, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो भीष्म युधिष्ठिर की पूरी सेना को एक एक करके समाप्त कर देंगे, और उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। और यह बात अर्जुन को समझ में नहीं आ रही है। जल्द ही इस भीष्म का मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद भीष्म पुनः अर्जुन को बाणों से ढक देते हैं और कौरवों के कई योद्धाओं ने अर्जुन को घेर लिया, लेकिन सात्यकी ने आकर अर्जुन को बचा लिया। जब अर्जुन से कुछ नहीं हुआ तो श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने भीष्म को मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया। यह देखकर भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए और बोलने लगे कि यदि आपके हाथों से मेरी मृत्यु होगी तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तो वैसे ही तीनों लोकों में पूजित हो जाऊंगा। कृष्ण भीष्म को मारने ही वाले थे कि अर्जुन ने उनके पैर पकड़ लिए और अस्त्र शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की बात करने लगे। और अर्जुन बोले कि अब मैं पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद अर्जुन कौरव सेना का संहार करना प्रारंभ कर देते हैं और कौरव सेना में कोहराम मचा देते हैं और कई कौरव योद्धाओं को मौत के घाट उतार देते हैं, कई योद्धाओं को परास्त कर देते हैं। यह सब देखकर पांडव पक्ष थोड़ा खुश हो जाता है। इसी के साथ तीसरे दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। इस दिन कौरवों की ओर से प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालव वीर मारे जाते हैं। इस दिन पांडव पक्ष मजबूत रहा। अब सुनिए चौथे दिन के युद्ध में क्या हुआ। दोनों ओर के लोग अपने अपने हिसाब से व्यूह की रचना करते हैं। इस दिन भीष्म और अर्जुन का भयंकर युद्ध होता है तथा सेनापति धृष्टद्युम्न कृपाचार्य के गले की हसली पर तीन बाण मारते हैं तथा मद्र देश के 10 योद्धाओं को मार गिराते हैं और कृत वर्मा के सारथी को भी मार गिराते हैं। पौरव पुत्र दमन को भी अपने बाणों से मार गिराते हैं। इस दिन धृष्टद्युम्न तथा सल का भी भयंकर युद्ध होता है, लेकिन धृष्टद्युम्न सल को मार भगाते हैं। शल्य और धृष्टद्युम्न के बीच भी भयंकर युद्ध चलता रहता है। इसी दिन भीमसेन गज सेना का संहार करते रहते हैं। वह हाथी घोड़ों को खींचकर एक दूसरे के ऊपर पटक देते थे, जिससे कई हाथियों के मुंह से दांत निकल रहे थे, कई हाथियों के मुंह से खून निकल रहा था, घोड़े इधर उधर पड़े हुए थे, वह अपनी गदा से भी शत्रुओं का विनाश कर रहे थे। इसी दिन भीमसेन और भीष्म का युद्ध होता है तथा सात्यकी और भूरी सिरबा भी इस दिन आमने सामने रहकर युद्ध करते हैं। दुर्योधन तथा भीमसेन के बीच भी घमासान युद्ध होता है, जिसमें दुर्योधन एक बार भीमसेन को अपनी गदा से मूर्छित कर देता है, लेकिन जल्द ही दूसरे कौरव महारथी आकर भीम की रक्षा कर लेते हैं और कुछ देर बाद भीमसेन ठीक हो जाते हैं।
इसके बाद तो कौरवों को भगा भगा कर मारते हैं, लेकिन दुर्योधन के 14 भाई मिलकर एक साथ भीमसेन पर हमला करते हैं, लेकिन भीमसेन अपने बाण से उनके सेनापति का सिर उड़ा देते हैं। इसके बाद भीमसेन दुर्योधन के भाई जलसंध, सुसेन, वीरबाहु, भीम, भीमरथ, सालोचन को भी मार भगाते हैं। इसके बाद राजा भगदत्त द्वारा भीम की छाती पर प्रहार किया जाता है, जिससे भीमसेन को काफी चोट पहुंचती है और भीमसेन मूर्छित हो गए। यह देखकर मायावी घटोत्कच को भयंकर क्रोध आ गया, फिर उसने युद्ध में कोहराम मचाना प्रारंभ कर दिया। मायावी घटोत्कच कैलाश पर्वत के समान विशाल हाथी पर बैठकर भगदत्त की ओर बढ़ा। वह भगदत्त को हाथी सहित ही मारना चाहता था। घटोत्कच के साथ में अंजन, बामन, उत्तम तथा कांति से युक्त महापद, यह तीन हाथी और थे, जिन पर उसके साथी राक्षस सवार थे। यह चारों हाथी मिलकर भगदत्त के हाथी को घायल कर देते हैं, जिससे उसका हाथी चित्कार करने लगता है। भगदत्त को खतरे में देखकर गुरु द्रोण और भीष्म उसकी रक्षा के लिए आ पहुंचते हैं, लेकिन इनके पीछे पीछे पांडव लोग भी आ जाते हैं, लेकिन घटोत्कच को रोक नहीं पाते हैं। तब भीष्म कहते हैं कि मुझे इस दुरात्मा घटोत्कच के साथ में युद्ध करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह बल और पराक्रम से संपन्न है। इसे अभी तो इंद्र भी नहीं हरा सकते, क्योंकि इसके साथ अभी प्रबल सहायक भी मौजूद हैं। हमारे घोड़े वगैरह सब दिन भर से युद्ध करके थक गए हैं, इसलिए आज युद्ध विराम घोषित किया जाए। कल सुबह हम पुनः शत्रुओं के साथ में युद्ध करेंगे। घटोत्कच के भय से डरे हुए कौरवों ने भीष्म की बात मान ली और युद्ध विराम घोषित कर दिया गया। इस दिन घटोत्कच के आगे कोई भी नहीं टिक पाया था और ना कोई उसे रोक पाया था। इस दिन पांडव पक्ष की विजय हुई। इसके बाद भीष्म ने दुर्योधन को समझाया कि अभी भी वक्त है, तुम्हें पांडवों के साथ में संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिसके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, भला उसे कौन हरा सकता है। लेकिन दुर्योधन को यह बात समझ में नहीं आई। उसने बोला कि अब संधि करने से क्या फायदा, मेरे कई भाई तो पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए युद्ध के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इस दिन कौरव पक्ष से धृतराष्ट्र के 14 पुत्र मारे जाते हैं। अब सुनिए पांचवें दिन क्या हुआ। इस दिन कौरवों के द्वारा मकर व्यूह तथा पांडवों के द्वारा सेन व्यूह की रचना की गई। सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। दुर्योधन अपने मरे हुए भाइयों का स्मरण करके द्रोणाचार्य से कहता है कि हम लोग भीष्म को साथ लेकर देवताओं को जीतने में भी समर्थ हैं, फिर यह पांडवों को जीतना कौन सी बड़ी बात है। आचार्य आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे यह पांडव जल्दी ही मारे जाएं। तब द्रोण कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं, फिर भी अपने बल और पराक्रम से मैं तुम्हारा यह कार्य करूंगा। इसके बाद युद्ध प्रारंभ हो जाता है। द्रोण सात्यकी को अपने बाणों से घायल करके मारने ही वाले होते हैं। तभी सात्यकी की रक्षा के लिए भीमसेन वहां आकर उसकी रक्षा करते हैं और भीमसेन द्रोण को अपने बाणों से बींद डालते हैं। यह देखकर भीष्म, द्रोण और शल्य मिलकर भीमसेन को बाणों से ढक देते हैं, लेकिन तुरंत ही भीम की रक्षा के लिए अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र वहां आ जाते हैं और वहां पर खड़े हुए कौरव योद्धाओं को घायल कर देते हैं। उस समय भीष्म और द्रोण का मुकाबला करने के लिए शिखंडी को सामने लाया जाता है। शिखंडी अपने बाणों से सभी योद्धाओं को ढक देता है। भीष्म शिखंडी के स्त्रीत्व का स्मरण करके उस पर बाण नहीं चलाते हैं। यह देखकर तुरंत ही द्रोणाचार्य भीष्म की रक्षा के लिए आ जाते हैं। शिखंडी द्रोण के बाणों से घबराकर युद्ध भूमि को छोड़कर चला जाता है। इस दिन भीष्म का भीम तथा अर्जुन के साथ भी भयंकर युद्ध होता है। दोनों ओर के योद्धा डटकर मुकाबला कर रहे थे। विराट ने अपने बाणों से भीष्म और उनके घोड़े को घायल कर दिया। इधर भीष्म ने अपना पराक्रम दिखाकर विराट को घायल कर दिया था। अश्वत्थामा ने अर्जुन की छाती में बाण चलाकर उसे घायल कर दिया था, तो अर्जुन ने भी जवाब देते हुए अश्वत्थामा को गहरी चोट पहुंचाई थी और अश्वत्थामा का धनुष काट दिया था।
अश्वत्थामा का धनुष कटने से। उसे भयंकर क्रोध आ गया और उसने जल्द ही दूसरा धनुष लाकर अर्जुन तथा कृष्ण को कई बाणों से घायल कर दिया। यह देखकर अर्जुन को भी क्रोध आ गया। उसने एक पैने बाण से अश्वत्थामा के सीने पर वार किया, जो उसके कवच को चीरता हुआ उसके सीने में धस गया। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा जरा भी नहीं घबराया और वह शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करता रहा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को गुरु का पुत्र, ब्राह्मण द्रोण का पुत्र समझकर उसे वहीं छोड़कर दूसरे योद्धाओं से युद्ध करने में लग गए। भीम और दुर्योधन के बीच भी भयंकर मुकाबला हुआ, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को घायल कर दिया था। इधर अभिमन्यु, सत्यव्रत, चित्रसेन, पुरुमित्र तथा लक्ष्मण के साथ युद्ध करने में लगे हुए थे, जिसमें दोनों पक्षों ने डटकर मुकाबला किया। सात्यकी कौरव सेना का भयंकर संहार कर रहे थे। यह देखकर भूरिश्रवा को क्रोध आ गया और उसने सात्यकी को संहार करने से रोक दिया। यह देखकर सात्यकी के 10 पुत्रों ने भूरिश्रवा का वध करने के लिए उसे घेर लिया, लेकिन भूरिश्रवा ने सभी को धूल चटा दी और उसने सभी के धनुष काट दिए और अपने बाणों से सात्यकी के 10 पुत्रों के सिरों को धड़ से उड़ा दिया। अपने 10 पुत्रों को मरा हुआ देखकर सात्यकी ने भूरिश्रवा के ऊपर भयंकर हमला कर दिया। उन दोनों ने हमला करके एक दूसरे को घायल करके रथों को भी नष्ट कर दिया। इसके बाद दोनों रणभूमि में ढाल और तलवार लेकर युद्ध करने में लग जाते हैं तथा दोनों एक दूसरे को घायल करते जा रहे थे। लेकिन भीमसेन ने तुरंत जाकर सात्यकी को अपने रथ में बैठा लिया तथा भूरिश्रवा को दुर्योधन ने जाकर अपने रथ में बैठा लिया। सभी पांडव योद्धा भीष्म को मारने के लिए उनसे युद्ध कर रहे थे तथा दुर्योधन ने जो 25,000 योद्धा अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजे थे, उन्हें अर्जुन ने सूर्यास्त के समय बाणों की वर्षा करके समाप्त कर दिया। इस प्रकार थके हुए सभी योद्धा रथ, हाथी, घोड़े विश्राम करने चले गए और 5वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। इस दिन पांडव पक्ष से सात्यकी के 10 पुत्र मारे गए। आइए अब जानते हैं 6वें दिन के युद्ध में क्या हुआ। 6वें दिन के युद्ध में पांडवों ने मकर व्यूह तथा कौरवों ने क्रौंच व्यूह की रचना की। इस दिन भीमसेन अपने सारथी से बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी कौरवों की सेना के अंदर जाकर आता हूँ। और भीमसेन कौरवों की सेना के अंदर चले जाते हैं। तब बहुत से कौरव योद्धा उन्हें घेर लेते हैं और कहते हैं कि आज तो भीम को बंदी बनाकर ही छोड़ेंगे और भीमसेन पर बाणों से हमला कर देते हैं। भीमसेन भी अपने बाणों से सभी के बाणों को काट देते हैं, लेकिन वह चारों ओर से घिर जाते हैं। तब अपनी गदा उठाते हैं और गदा घुमाकर सैनिकों, रथों, हाथियों आदि को कीट पतंगों की तरह उड़ा देते हैं और कई सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन फिर भी वह कई बाणों से छिद जाते हैं। भीमसेन को रणभूमि में संघर्ष करता हुआ देखकर धृष्टद्युम्न उनकी रक्षा के लिए उनके समीप जाकर उन्हें अपने रथ में बैठा लेते हैं और उनके शरीर के बाणों को निकाल देते हैं। जब धृष्टद्युम्न भीम को ले जाता है तो दुर्योधन को बड़ा क्रोध आ जाता है और वह अपने भाइयों से बोलता है कि यह दुरात्मा धृष्टद्युम्न पांडवों का हित चाहने वाला है, तुम सभी लोग मिलकर पहले इसका खात्मा कर दो। यह सुनकर दुर्योधन के भाई विशाल सेना के साथ धृष्टद्युम्न पर हमला कर देते हैं, लेकिन धृष्टद्युम्न सभी को घायल कर देता है और उसका कुछ भी नहीं होता है। और धृष्टद्युम्न को क्रोध आ जाता है और वह वहां पर उपस्थित सभी भाइयों पर मोहन अस्त्र का प्रयोग करता है, जिससे सभी मोह में आ जाते हैं और उनको मरा हुआ और अचेत देखकर सभी कौरवों के सैनिक इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी ओर द्रोण ने द्रुपद पर हमला करके उसे घायल कर दिया। द्रुपद के घायल हो जाने के कारण वह बैर का स्मरण करके वहां से दूर हट गए। इस प्रकार द्रोण जीत गए और उन्होंने जीत का शंखनाद किया। जब द्रोण को पता चला कि उनके पुत्र मोहन अस्त्र के मोह से चेतना शून्य पड़े हुए हैं, तब उन्होंने वहां जाकर मोहन अस्त्र का विनाश किया। इसके बाद सभी में पुनः चेतना वापस आ गई। युधिष्ठिर ने अपने योद्धाओं को कहा कि तुम लोग भीमसेन और धृष्टद्युम्न के पद चिन्हों पर चलो,
इसके बाद बाकी के सभी योद्धाओं में भयंकर युद्ध चलता रहता है। इसके बाद दुर्योधन और उसके भाई भीमसेन को पकड़ने का विचार त्याग देते हैं और वध करने के लिए सब मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इतने में भीमसेन के पद चिन्हों पर चलने वाला अभिमन्यु 12 योद्धाओं के साथ वहां पहुंच जाते हैं और दुर्योधन तथा उसके भाइयों को घायल कर देते हैं। यह देखकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन भीमसेन उनको ढूंढकर खदेड़ खदेड़ कर सबको खूब मारते हैं और अभिमन्यु के साथ मिलकर सभी को घायल भी कर देते हैं। लेकिन वहां दुर्योधन आ जाता है। दुर्योधन को देखकर भीमसेन बोलते हैं कि आज तुझे नहीं बचने दूंगा, क्योंकि यह सारे फसाद की जड़ तू ही है। इसके बाद भीमसेन दुर्योधन के धनुष को काट देता है और उसके सारथी को भी घायल कर देता है तथा उसके रथ को भी छार छार कर देता है तथा दुर्योधन को भी घायल कर देता है। इतने में जयद्रथ कुछ योद्धाओं के साथ आकर दुर्योधन की रक्षा करता है। इतने में कृपाचार्य आकर उसे अपने रथ में बैठा लेते हैं। भीमसेन ने दुर्योधन को काफी घायल कर दिया था, इसलिए वह रथ के पिछले हिस्से में बैठकर करहा रहा था। जयद्रथ बहुत सारे रथों से भीमसेन को चारों ओर से घेर लेते हैं। इसी समय धृष्टकेतु अभिमन्यु तथा द्रुपद पुत्र दुर्योधन के भाइयों के साथ युद्ध करते हैं। तब 8 कौरव योद्धा अभिमन्यु को घेर लेते हैं, लेकिन वे सभी को अपने दिव्य बाणों से परलोक पहुंचा देते हैं। इस प्रकार 6वें दिन का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि 7वें दिन के युद्ध में क्या हुआ। क्योंकि दुर्योधन को भीम ने काफी घायल कर दिया था, इसलिए बहते हुए रक्त के साथ चिंतित हुआ वह भीष्म के पास जाकर उनसे कहता है कि हमारी सेना में एक से एक महारथी हैं, हमारी सेना भी उनसे ज्यादा है। हम व्यूह भी अभेद बनाते हैं, लेकिन फिर भी यह पांडव सेना में घुसकर कोहराम मचा देते हैं। ऐसा क्या है इनके पास में? वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं? देखो, ये भीम हमारी सेना में घुस जाता है और सबको उठा उठा कर फेंक देता है। भीमसेन को क्रोध में देखकर मुझे भय उत्पन्न होने लगा है। तब भीष्म हंसते हुए कहते हैं कि मैं उनकी सेना का संहार करके तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त कराना चाहता हूँ, लेकिन यह बात भी सत्य है कि उनके पास भी एक से एक महान योद्धा हैं। वह थकते नहीं हैं, उन्होंने थकान पर विजय प्राप्त कर ली है। उन्हें हराना इतना आसान भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं इस बार अपने बाणों की वर्षा से उनकी सेना को ढक दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं स्वयं देवताओं से लड़ जाऊंगा। मेरी जान भी तुम पर न्योछावर है। इसके बाद में भीष्म ने दुर्योधन को विशल्यकर्णी नामक एक औषधि प्रदान की, जिससे दुर्योधन के शरीर के सारे बाण निकल गए और उसके घाव भी तुरंत ही भर गए और वह स्वस्थ होकर पीड़ा से मुक्त हो गया। यह देखकर दुर्योधन खुश हो जाता है और हाथी, घोड़ों, रथ, पैदल सैनिकों के साथ में सभी युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं। वहां भीष्म ने मंडल नामक व्यूह की रचना की थी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिक उपस्थित थे। यह व्यूह चारों ओर से रथों से घिरा हुआ था। इसमें एक एक हाथी के साथ 7-7 रथ तथा एक एक रथ के साथ 7-7 घुड़सवार तथा एक एक घुड़सवार के साथ 7 धर्नुधर तथा एक एक धर्नुधर के साथ 7-7 ढाल तलवार लिए सैनिक थे। यह पूरी सेना भीष्म के द्वारा रक्षित थी और बहुत से कौरव योद्धा भीष्म की रक्षा में लगे हुए थे। कौरवों के मंडल व्यूह को देखकर युधिष्ठिर ने वज्र व्यूह का निर्माण किया। व्यूह तैयार हो जाने के बाद शंखनाद हुआ और युद्ध प्रारंभ हो गया। द्रोणाचार्य ने विराट पर, अश्वत्थामा ने शिखंडी पर, दुर्योधन ने द्रुपद पर, नकुल सहदेव ने शल्य पर, बिंद अनुबिंद ने इरावन पर, भीमसेन का कृतवर्मा से तथा दुर्योधन के तीन भाई चित्रसेन, विकर्ण, धर्मर्षण ने अभिमन्यु पर, भगदत्त ने घटोत्कच पर, अलम्बुस ने सात्यकी पर, भूरी सिरवा ने धृष्टकेतु पर, चैकीतान ने कृपाचार्य से। ऐसे ही और भी बहुत से योद्धा एक दूसरे पर हमला करने लगे। जब अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा की तो सब इधर उधर भागने लगे और ऐसा कोई नहीं बचा जो उनके बाणों से आहत न हुआ हो, और भगदड़ की वजह से पूरा व्यूह भंग हो गया।
तब अर्जुन के बाणों से अपनी जान बचाने के लिए सबके सब भागकर भीष्म के पास पहुंचे। तब भीष्म ने सबकी रक्षा की। इस दिन अर्जुन और श्री कृष्ण से डरकर कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई थी, क्योंकि अर्जुन आज शत्रुओं पर काल बनकर टूट पड़े थे। इस दिन द्रोण और विराट का भी रोमांचकारी युद्ध चल रहा था, जिसमें द्रोण विराट का रथ और धनुष तोड़कर नीचे पटक लेते हैं। वो उसको मारने ही वाले होते हैं, तभी विराट उसके पुत्र शंखड़ के साथ में रथ में चढ़ जाता है। पिता पुत्र दोनों एक साथ हमला करके गुरु द्रोण को बाणों से ढक देते हैं, लेकिन द्रोण का कुछ नहीं होता है। जब गुरु द्रोण एक शक्तिशाली बाण से विराट के पुत्र पर हमला करते हैं, तो विराट का पुत्र उसी के सामने मारा जाता है। द्रोण का ऐसा भयंकर प्रहार देखकर विराट डर जाता है और रणभूमि छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद गुरु द्रोण हजारों योद्धाओं को अपने बाणों से मौत की नींद सुला देते हैं। इधर अश्वत्थामा और शिखंडी का भयंकर युद्ध होता है, जिसमें अश्वत्थामा शिखंडी का रथ तोड़ देते हैं, लेकिन उसे मारने में सफलता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि सात्यकी उसे आकर बचा लेता है। इसके अलावा सात्यकी ने अलंबुस राक्षस को युद्ध में धूल चटा दी थी। सात्यकी के डर से अलंबुस राक्षस युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गया था। इसके बाद भी सात्यकी ने कई योद्धाओं का भयंकर संहार किया था। उधर धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन के साथ युद्ध किया, जिसमें धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन का रथ तोड़ दिया था, तो दुर्योधन तलवार लेकर ही धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा, लेकिन शकुनी ने आकर दुर्योधन को अपने रथ में बैठा लिया था। इधर भीमसेन ने भी कृत वर्मा का रथ वगैरह सब तोड़ दिया था तथा कृत वर्मा को छिन्न भिन्न करके घायल कर दिया था, लेकिन वृषभ ने आकर उसे अपने रथ में बैठा लिया था। इसके अलावा बिंद अनुबिंद को अर्जुन पुत्र इरावन ने हरा दिया था। भगदत्त को घटोत्कच ने युद्ध भूमि में घायल कर दिया था और नकुल सहदेव की जोड़ी ने मद्रराज शल्य पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर राजा श्रुतायु को अभिमन्यु चित्रसेन को पराजित कर देते हैं। इस दिन युद्ध में चैकीतान तथा कृपाचार्य दोनों मूर्छित हो जाते हैं तथा भूरी सिरबा और धृष्ट केतु का भी भयंकर युद्ध होता है। इस दिन अर्जुन सहित सभी पांडव भीष्म का वध करने के लिए उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन भीष्म तनिक भी चिंतित नहीं होते, बल्कि वह अकेले ही सभी के बाणों को काट देते हैं। इसके बाद दुर्योधन सहित अन्य योद्धा भीष्म की रक्षा के लिए आ जाते हैं और दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होने लगता है। तब युधिष्ठिर शिखंडी से कहते हैं कि तुमने भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, भूल गए क्या? मुझे तो लगता है तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी थी, मुझे तो तुम डरपोक लगते हो। इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों में भयंकर युद्ध होता रहता है। इस दिन भीष्म और युधिष्ठिर का, धृष्टद्युम्न और सात्यकी के साथ बिंद अनुबिंद का भी घमासान युद्ध होता है। इस प्रकार सातवें दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। इस दिन पांडव पक्ष से विराट पुत्र शंख मारा जाता है। अब सुनिए आठवें दिन के युद्ध में क्या हुआ। इस दिन एक बार फिर से भीष्म ने पांडव सेना में कोहराम मचाना प्रारंभ कर दिया था और पांडवों के योद्धाओं को अपने बाणों से छेदने लगे थे तथा कई हाथी घोड़ों का सिर धड़ से अलग कर दिया था और सैनिकों को कीट पतंगों की तरह उड़ाने लगे थे। दुर्योधन भी अपने भाइयों के साथ भीष्म की रक्षा के लिए आ गया। इधर से भीमसेन ने भीष्म पर हमला करके भीष्म के रथ के सारथी को मार गिराया था। यह देखकर भीष्म का रथ रणभूमि में इधर उधर भागने लगा। यह देखकर दुर्योधन के आठ भाइयों ने भीम पर हमला कर दिया, लेकिन भीम ने एक एक करके आठों को मौत की नींद सुला दिया। दुर्योधन पुनः भीष्म के पास जाकर अपने भाइयों के मौत के विषय में बताते हैं और बोलते हैं कि आप पांडवों का भला करना चाहते हो, उनसे ज्यादा प्रेम है तुम्हें, इसलिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। लेकिन भीष्म कहते हैं कि हमने तुम्हें पहले ही समझा दिया है। इसके बाद दोनों पक्षों में और भी ज्यादा भयंकर मारकाट मचने लगती है और घमासान युद्ध होने लगता है। चारों तरफ लाशें, कटे हुए हाथी घोड़े, टूटे हुए रथ, खून दिख रहा था। धनुष की टंकार, तलवार, फरसों की आवाज गूंज रही थी। रणभूमि में बहुत से लोग आधे कटे हुए पड़े थे, मौत का इंतजार कर रहे थे। दोनों तरफ से बाणों की वर्षा हो रही थी।
इस दिन अर्जुन पुत्र इरावन ने शकुनी के सात भाइयों को बाणों से हमला करके मार डाला था। यह देखकर अलम्बुस राक्षस को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और वह अर्जुन पुत्र इरावन से युद्ध करने लगा। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अलम्बुस मायावी था। इरावन उसकी माया के सामने टिक नहीं पाया और अलम्बुस के हाथों से मारा गया। इसी दिन दुर्योधन और घटोत्कच का भी भयंकर युद्ध हुआ था। घटोत्कच ने विशाल रूप धारण करके कौरवों की सेना में भगदड़ मचा दी थी। दुर्योधन ने उसे रोकने के लिए कई अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन घटोत्कच को विनाश करने से नहीं रोक पाया था। मायावी घटोत्कच अपनी लातों से कई सैनिकों को चकनाचूर कर देता था। वह हाथी, घोड़ों और रथों को उछाल उछाल कर बहुत दूर फेंक देता था। घटोत्कच ने कौरवों की सेना में कोहराम मचा रखा था। उसे रोकने में कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। इस दिन दुर्योधन भीमसेन को घायल कर देता है, लेकिन घटोत्कच और अभिमन्यु आकर उसकी रक्षा में लग जाते हैं। यह देखकर कौरव पक्ष के योद्धा भी दुर्योधन की रक्षा में आ जाते हैं। फिर दोनों में भयंकर युद्ध होने लगता है। अश्वत्थामा और नील का युद्ध भी इसी दिन होता है। इसके बाद घटोत्कच और भीम को रोकने के लिए भगदत्त को आगे किया जाता है, जो भीमसेन से घमासान युद्ध करता है। इस दिन भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों को मार डालते हैं तथा अभिमन्यु और अम्ब्रष्ट का भी एक भयानक युद्ध होता है। इस प्रकार दोनों पक्ष के योद्धाओं ने एक दूसरे से डटकर मुकाबला किया और इसी के साथ 8वें दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। इस दिन पांडव पक्ष से अर्जुन पुत्र इरावन तथा धृतराष्ट्र के 17 पुत्र मारे जाते हैं। अब सुनिए 9वें दिन के युद्ध में क्या हुआ। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन तथा कर्ण मिलकर गुप्त मंथन करने लगते हैं और दुर्योधन बोलता है कि द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य, ये लोग युद्ध में पांडवों का कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है मुझे नहीं पता। वह कर्ण से बोलते हैं कि यह पांडव धीरे धीरे करके मेरी पूरी सेना को समाप्त करते जा रहे हैं और तुम युद्ध से विमुख हुए बैठे हो। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यह पांडव मेरी पूरी सेना को समाप्त कर देंगे। मात्र तुम ही अकेले ऐसे योद्धा हो जो पांडवों को हरा सकते हो। यह सुनकर कर्ण कहते हैं कि मुझे युद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम भीष्म को युद्ध क्षेत्र से हटा दो तो मैं सभी पांडवों को समाप्त कर दूंगा। जब तक भीष्म युद्ध करेंगे तब तक मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर दुर्योधन पितामह भीष्म के पास जाता है और उनसे युद्ध में अपने अस्त्र शस्त्र डालने को कहते हैं। और भीष्म कहते हैं कि बेटा दुर्योधन, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, अर्जुन ने स्वयं इंद्र को परास्त करके खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था। यह उनकी अजय का प्रमाण है। और जब गंधर्व लोग तुम्हें पकड़कर ले गए थे तब याद है अर्जुन ने ही तुम्हें बचाया था। कर्ण और तुम्हारे भाई मैदान छोड़कर भाग गए थे। मैं तो अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ूंगा और तुम्हारा भला करने का हर संभव प्रयास करूंगा। अर्जुन ने मुझे और द्रोण दोनों को युद्ध में परास्त करके छिन्न भिन्न कर दिया था। अश्वत्थामा और कृपाचार्य को भी वह परास्त कर चुका है। और भी कई उदाहरण हैं जिनमें पांडव अपना पराक्रम दिखा चुके हैं। लेकिन इस बार तुम चिंता मत करो, शिखंडी जो पहले स्त्री थी उसे छोड़कर मैं सभी पांडवों को मौत के घाट उतार दूंगा। तुम भले ही आराम से जाकर सो जाओ, कल के युद्ध में मैं ऐसा संग्राम करूंगा जिसकी चर्चा तब तक होगी जब तक यह पृथ्वी रहेगी। और तुम्हारे लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। इसके बाद दुर्योधन वहां से चला जाता है। रात में भीष्म दुर्योधन की बात सुनकर समझ जाते हैं कि दुर्योधन अब मुझे युद्ध से हटाना चाहते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग उचित व्यूह की रचना करके युद्ध भूमि की ओर चल पड़ते हैं। कौरवों की तरफ से बड़े बड़े योद्धाओं को भीष्म की रक्षा के लिए लगाया गया था, क्योंकि आज भीष्म भीषण संहार मचाने वाले थे। इस दिन द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु अलम्बुस राक्षस के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। इस दिन अभिमन्यु के संहार के द्वारा कौरव सेना मैदान छोड़कर भागने लगती है। कौरवों को लगने लगा कि अब पांडवों की तरफ से 2 अर्जुन हो गए हैं। इसके बाद दुर्योधन अलम्बुस राक्षस से कहते हैं कि तुम एक वीर योद्धा हो
तुम्हारे अलावा अभिमन्यु को कोई नहीं रोक सकता है। जाओ और अभिमन्यु का अंत कर दो। हम लोग द्रोण और भीष्म के साथ रहकर अर्जुन का अंत कर देते हैं। इसके बाद अभिमन्यु और अलम्बुस का भयंकर रोमांचकारी युद्ध होता है। कभी अलम्बुस अभिमन्यु को चोट पहुंचाता था तो कभी अभिमन्यु अलम्बुस को चोट पहुंचाता था। इसी प्रकार दोनों में काफी देर तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में अभिमन्यु अलम्बुस राक्षस को परास्त कर देता है, उसके रथ को छिन्न भिन्न कर देता है। इस दिन अर्जुन और भीष्म का भी भयंकर युद्ध होता है तथा द्रोण सुशर्मा के साथ युद्ध करते हैं। इस दिन भी भीम गज सेना का भयंकर संहार करते हैं। इस दिन अर्जुन त्रिगर्तों की सेना को पराजित कर देते हैं। अभिमन्यु चित्रसेन को तथा गुरु द्रोण बहारी को पराजित कर देते हैं। सात्यकी और भीष्म भी एक दूसरे को घायल कर देते हैं तथा भयंकर युद्ध करते रहते हैं। इस दिन भीष्म और द्रोण पांडव सेना में कोहराम मचा देते हैं। इस दिन भीष्म ने पांडवों की सेना में भयंकर भय उत्पन्न कर दिया था। उनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहा था। उन्होंने बहुत से महारथियों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा लग रहा था भीष्म आज पूरी पांडव सेना का खात्मा कर डालेंगे, लेकिन इसी के साथ सूर्य ढल जाता है और युधिष्ठिर युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। इस दिन दोनों ही पक्षों ने डटकर मुकाबला किया। इस प्रकार 9वें दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। आइए अब जानते हैं 10वें दिन के युद्ध में क्या हुआ था। इस दिन पांडव पक्ष के मुख्य योद्धा और श्री कृष्ण मिलकर भीष्म के भीषण संहार को देखकर विचार करते हैं कि यह भीष्म को कैसे मारा जाए, क्योंकि यदि भीष्म ने इस प्रकार युद्ध किया तो अपना हारना निश्चित है। इसलिए जल्द ही हमें भीष्म का तोड़ ढूंढ निकालना होगा। युधिष्ठिर बोलते हैं कि भीष्म को कैसे हराया जाए, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भीष्म हमारी सेना को कीट पतंगों की तरह खत्म करते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको हराया जा सकता है। मुझे भीष्म के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। युद्ध खत्म कर दो, क्योंकि मैं अपने लोगों को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता। इसके बाद मैं वन को चला जाऊंगा। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई सूरवीर और दुर्जय तथा शत्रुओं का संहार करने वाले हैं, और यदि तुम्हें लगता है कि भीष्म के वध से ही तुम्हारी जीत होगी तो आप मुझे अपनी तरफ से योद्धा घोषित कर दो। मैं कल ही भीष्म को उसके रथ से गिराकर उसका वध कर डालूंगा। आपकी हार जीत में ही मेरी हार जीत छुपी हुई है। अर्जुन मेरे सखा हैं और उनके लिए मैं अपने मांस का टुकड़ा भी काट कर दे सकता हूँ। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा ले रखी है कि वे भीष्म को मार देंगे। अर्जुन को तुम लोग हल्के में मत लो, क्योंकि स्वयं देवता भी उन्हें हरा नहीं सकते हैं। तो फिर यह भीष्म क्या चीज है? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि आपको युद्ध करने की क्या जरूरत है? आप तो जिसके साथ खड़े रहें उसका कोई क्या ही बुरा कर सकता है। बस आप तो हमें सलाह देकर सहायता करते रहिए। युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी पितामह भीष्म के साथ एक शर्त हो रखी है कि वह युद्ध तो कौरवों की तरफ से ही करेंगे, लेकिन मेरे हित के लिए मुझे सलाह दे सकते हैं। क्यों ना हम भीष्म के पास जाकर उन्हीं से उनकी मृत्यु का राज पूछ लें। इसके बाद सभी लोग मिलकर भीष्म के पास जाते हैं और चरण स्पर्श और प्रणाम करते हैं। तब भीष्म भी सबका स्वागत करते हैं और उनके यहाँ पधारने का कारण पूछते हैं। तब युधिष्ठिर दुखी मन से कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, आपने ही पाल पोस कर हमें बड़ा किया है। आप बताएं कि हम किस प्रकार अपना राज्य प्राप्त करें, हम कैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, आपको हम युद्ध में कैसे मार सकते हैं, क्योंकि आप हमारी सेना का धीरे धीरे करके सफाया करते जा रहे हैं। तो अब आप ही बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। तब भीष्म कहते हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो तुम्हारी जीत नहीं हो सकती, यह बात तो निश्चित है। यदि तुम पूरी कौरव सेना को भी मार दोगे तब भी मुझे नहीं हरा पाओगे, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करो और मुझे मार डालो। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हमारा कोई भी योद्धा आपके सामने टिकता ही नहीं है, आपको हम कैसे मार सकते हैं। तब भीष्म कहते हैं कि जब तक मेरे हाथ में हथियार हैं तब तक इंद्र सहित देवता भी मुझे युद्ध में नहीं हरा सकते। मुझे केवल तभी हराया जा सकता है जब मैं अस्त्र जमीन पर डाल दूं। मैं जमीन पर अस्त्र तभी डालूंगा
जब मेरे सामने लड़ने वाला नीचे गिर गया हो, कवच और ध्वज से शून्य हो, मैं तुम्हारा हो गया हूँ ऐसा कह रहा हो, स्त्री हो, स्त्री के नाम जैसा हो, पिता का एक लौता पुत्र हो, विकल हो या नीच जाति का हो, ऐसे मनुष्य के साथ युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिसके रथ में कोई अमंगलकारी चिन्ह हो, ऐसे लोगों के साथ मैं युद्ध नहीं करता हूँ। तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है, वह पहले स्त्री था, उसको आगे करके मुझ पर यदि अर्जुन बाण से प्रहार करेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी तरफ भगवान कृष्ण और अर्जुन के अलावा मैं और किसी को नहीं देखता जो मुझे मार सके। जैसे मैंने बताया है उसी नीति का प्रयोग करो जिससे तुम धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को भी मार सकते हो। यह सुनकर पांडव पक्ष के सभी लोग पिता महाभीष्म को प्रणाम करके अपने शिविर में चले गए। इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव, जिनकी उंगली पकड़ के मैं बड़ा हुआ, जिन्होंने मुझे अपने पुत्र के समान रखा, मैं उनकी गोद में खेला करता था, उन वृद्ध जन पिता महाभीष्म को मैं कैसे मार सकता हूँ? यदि वह मेरी पूरी सेना को भी समाप्त कर दें तब भी मैं उन्हें नहीं मार सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा ली है, भला तुम अपनी प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ सकते हो? भीष्म को मारे बिना तुम्हारी विजय नहीं मानी जाएगी, इसलिए तुम भीष्म को रथ से गिराकर उसका वध करो। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म का वध करने के लिए राजी कर लेते हैं। सुबह होने के बाद पांडव पक्ष के लोग शिखंडी को आगे करके युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार उधर से कौरवों ने भीष्म को आगे करके युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद पांडव पक्ष के लोगों ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पर अपने बाणों से हमला किया। इसके बाद भीष्म ने भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करके पांडवों के बहुत से योद्धाओं का वध कर दिया था। इसके साथ ही और भी सभी योद्धाओं में युद्ध चल रहा था। पांडवों के बड़े बड़े योद्धाओं ने भीष्म के संहार को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन वह भीष्म का कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। उन्होंने वापस पांडव सेना में भगदड़ मचा दी थी। इसके बाद शिखंडी भीष्म पर बाण चलाकर उन्हें घायल कर देता है, लेकिन भीष्म बोलते हैं कि तू मुझ पर बाण चला या मत चला, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तू तो पिछले जन्म की स्त्री शिखंडीनी है। यह सुनकर शिखंडी को क्रोध आ जाता है और वह भीष्म से बोलता है कि मैंने सुना है आपने परशुराम के साथ भी युद्ध किया है, लेकिन आज मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। यदि आज आप मेरे साथ युद्ध करेंगे तो निश्चित ही आज मैं आपको मार डालूंगा। इसके बाद अर्जुन शिखंडी से कहते हैं कि आज तुम भीष्म को मारकर ही दम लेना, क्योंकि भीष्म तुम पर हमला नहीं करेंगे, हम सब लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे, आज भीष्म को मारे बिना मत लौटना। लेकिन भीष्म फिर से भीषण संहार मचा देते हैं और देखते ही देखते पांडवों की 100,000 सेना को सुला देते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि मैंने आज 10,000 योद्धाओं को मारने का वचन दिया था, मेरा यह वचन पूरा हुआ, और भी योद्धाओं के मध्य यहाँ पर युद्ध चलता रहता है। इसके बाद में शिखंडी को आगे करके अर्जुन भीष्म से युद्ध करने लग जाते हैं। यह देखकर बहुत से कौरव योद्धा भीष्म की रक्षा के लिए आ जाते हैं। इस दिन भीम अकेले 10 कौरव योद्धाओं को धूल चटा देता है। फिर भीष्म और अर्जुन के द्वारा भीषण संहार होने लगता है। दोनों पक्षों में रोमांचकारी युद्ध चलते रहता है। भीष्म अपने नजदीक में उपस्थित युधिष्ठिर से बोलते हैं कि मैं इस दह से ऊब गया हूँ, क्योंकि युद्ध भूमि में बहुत से प्राणियों को मारने में ही मेरा समय बीत जा रहा है, इसलिए तुम सभी पांडव मिलकर मेरे वध के लिए प्रयत्न करो। तब सभी पांडव योद्धा शिखंडी तथा अर्जुन को आगे करके भीष्म के साथ युद्ध करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ कौरव पक्ष के बहुत से योद्धा भीष्म की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं और दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध चलता रहता है। उस समय शिखंडी और अर्जुन के अलावा ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो भीष्म के सामने टिक सके। इसके बाद शिखंडी ने उन पर कई तीर मारे लेकिन स्त्री रूप समझकर उन्होंने शिखंडी को कोई उत्तर नहीं दिया। इस दिन दुशासन ने भी भयंकर कोहराम मचाया। पांडव पक्ष में उसने एक पल के लिए वह उत्पन्न कर दिया था, लेकिन अर्जुन ने उन्हें घायल करके रोक दिया। अब दोनों पक्षों में घमासान युद्ध चल रहा था।
कोई किसी को भी मार रहा था, हाथी वाला पैदल वाले को, रथ वाला हाथी वाले को। बराबरी का नियम भी खत्म हो गया था, कोई भी किसी पर भी टूट पड़ रहा था। इस दिन भीष्म हजारों सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ का विनाश कर देते हैं। पांडव पक्ष का कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ आंख तक नहीं उठा पा रहा था। एक बार जब सभी शिखंडी को आगे करके भीष्म पर हमला करते हैं तो भीष्म का कवच छिन्न भिन्न हो जाता है। इसके बाद शिखंडी बहुत से दिव्य बाणों से भीष्म को छेद देते हैं। इसके बाद अर्जुन भीष्म पर धावा बोलकर उनके धनुष को तोड़ देते हैं। इसके बाद बहुत से कौरव योद्धा भीष्म की रक्षा के लिए आ जाते हैं। इसके बाद भीष्म कहते हैं कि यदि तुम्हारे साथ कृष्ण न होते तो मैं तुम सबको एक ही धनुष से खत्म कर देता। छिन्न भिन्न हुए भीष्म जी कहते हैं कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो मेरे सामने शिखंडी आ गया है जो पहले स्त्री था, दूसरा पांडव पांडु के पुत्र होने के कारण रक्षणीय है। जब मैंने मेरे पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से कराया था तब मेरे पिता ने मुझे दो वरदान दिए थे, पहला कि तुम अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग सकोगे, दूसरा कि तुम्हें कोई युद्ध में हरा नहीं पाएगा। लगता है वह समय आ गया है जब मैं अपने प्राण त्याग दूं। इसके बाद अर्जुन भीष्म को कई बाणों के द्वारा बीन डालते हैं और भी दूसरे लोग उन्हें हजारों बाणों से छेद देते हैं। इसके बाद भीष्म इच्छा मृत्यु के लिए सरसैया पर लेट जाते हैं और अर्जुन उन्हें तकिया देते हैं तथा दिव्य बाण से जल प्रकट करके भीष्म जी को जल देते हैं और वे दुर्योधन को समझाते हैं कि तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। इसके बाद सभी लोग वहां पर काफी देर तक बात करते रहते हैं तथा भीष्म के चुप हो जाने पर सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। इसके बाद में कर्ण भीष्म के पास आते हैं और देखते हैं कि भीष्म की आंखें बंद हैं। यह देखकर कर्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कर्ण बोलते हैं कि मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था। इसके बाद भीष्म आंखें खोलकर देखते हैं, वहां कर्ण के अलावा और कोई नहीं रहता है। तब कर्ण को एक हाथ से गले से लगा लेते हैं, बोलते हैं कि आओ कर्ण, तुम सदा ही मेरे साथ प्रतिस्पर्धा रखते रहे, आज तुम मेरे पास नहीं आते तो तुम्हारा कल्याण नहीं होता। तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो, तुम अधिरथ के नहीं सूर्य के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया है, मैं हमेशा तुमसे कटु वचन बोलता रहा। मैं जानता हूं कि तुम्हें युद्ध भूमि में कोई भी हरा नहीं सकता है। तुम एक महान दानवीर भी हो, बाण चलाने, दिव्यास्त्रों को चलाने, फुर्ती दिखाने तथा अस्त्र शस्त्र में तुम कृष्ण के ही समान हो। जब तुम दुर्योधन के लिए कन्या लेने गए थे वहां तुमने सभी राजाओं को धूल चटा दी थी, बलशाली जरासंध भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया था। पांडव तुम्हारे भाई हैं, यदि तुम मेरा भला करना चाहते हो तो अपने भाइयों के साथ मिल जाओ। इसके बाद में कर्ण बोलते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा है वह सब मैं पहले से ही जानता हूँ, लेकिन माता कुंती ने मुझे पानी में बहा दिया था और सूत ने मुझे पाला है। दुर्योधन मेरा सखा है, मैं हर स्थिति में उसके साथ रहना चाहता हूँ। जैसे कृष्ण अर्जुन के साथ हैं उसी प्रकार मैं दुर्योधन का साथ दूंगा, चाहे उसके लिए मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। पांडवों के साथ हमारा इतना बैर बढ़ गया है जो कि अब दूर नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ उन्हें हराना मुश्किल है, लेकिन मैं दुर्योधन के लिए अर्जुन से युद्ध करूंगा और पांडवों को हरा दूंगा। मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे क्षमा करना। भीष्म उनको युद्ध की आज्ञा दे देते हैं और कर्ण वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सूर्य के दक्षिणायन होने पर वह अपने प्राणों को त्याग देते हैं। महाभारत के युद्ध में एक महायोद्धा का इस प्रकार अंत हो जाता है। कौरव पक्ष में भयंकर मोह छा गया। कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि सभी तेज तेज से रोने लगे। यह घड़ी बहुत ही दुख की घड़ी थी, शत्रु भी उनके लिए रोने लगे थे, ऐसे थे भीष्म। इसके बाद सभी कौरव दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। भीष्म के मारे जाने के बाद कौरवों की सेना अनाथ हो जाती है। इसके बाद सभी कर्ण का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि एकमात्र कर्ण ही ऐसे हैं जो भीष्म के समान पराक्रमी हैं, वही हमारा भला कर सकते हैं और पांडवों को नष्ट करने की क्षमता भी बह रखते हैं। उसने हमारे लिए अपना शरीर न्योछावर किया हुआ है, उसे जल्दी बुलाओ, देर न करो। वह अकेला ही सभी देवताओं और सभी असुरों को एक साथ हराने की क्षमता रखता है। भीष्म ने उसको अधरथी बनाया था,
इसलिए उसने बोला था कि जब तक भीष्म युद्ध करेंगे मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। दुर्योधन कर्ण के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। तब अपने भाई समान दुर्योधन को मुसीबत में देख उसकी डूबती हुई नौका को बचाने के लिए कर्ण युद्ध करने के लिए राजी हो जाता है। उसने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी, सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। वह परशुराम द्वारा दिए हुए अपने धनुष को लेकर और अपने शक्तिशाली बाणों को रख लेता है। कर्ण की युद्ध भूमि में एंट्री होते ही कौरवों की दुखी सेना का उत्साह बढ़ जाता है। इसके बाद सेनापति बनाए जाने की बात होती है। पहले यशस्वी भीष्म सेनापति थे जिन्होंने 10 दिन तक सभी को साथ लेकर शत्रु सेना का संहार किया था। अब चूंकि वह तो रहे नहीं इसलिए अब यह बताओ कि सेनापति किसे बनाया जाए, क्योंकि बिना सेनापति के सेना बिना मल्लाह के नाव जैसी हो जाती है। तब कर्ण कहते हैं कि यदि किसी बराबरी के राजा में से सेनापति बनाएंगे तो वह पूर्ण उत्साह के साथ युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ दुर्जय वीर शुक्राचार्य तथा बृहस्पति के समान गुरु द्रोण को छोड़कर ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो सेनापति के लायक हो। ऐसा कोई नहीं है जो द्रोण के पीछे चलने को राजी ना हो। इसके बाद दुर्योधन गुरु द्रोण से कहते हैं कि आप बुद्धि युद्ध कौशल पराक्रम नीति विजय आदि में श्रेष्ठ हो, अतः कृपया करके आप सेनापति का पद ग्रहण करके शत्रुओं का विनाश करो। इसके बाद गुरु द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। इस दिन पांडव पक्ष से शतानीक तथा कौरव पक्ष से भीष्म मारे जाते हैं। आइए अब जानते हैं 11वें दिन के युद्ध में क्या हुआ। इस दिन दुर्योधन गुरु द्रोण से कहते हैं कि आप युधिष्ठिर को बंदी बना लीजिए, क्योंकि यदि हमने युधिष्ठिर को मार दिया तो बाकी पांडव तो हमें छोड़ेंगे नहीं। अब मान लो हमने सभी बाकी पांडवों को भी मार दिया तो कृष्ण हम सबको खत्म करके सारा राजपाट द्रौपदी और कुंती को दे देंगे। इसलिए युधिष्ठिर को बंदी बनाकर ले आते हैं और फिर उन्हें जुए में जीत लेंगे तो यह पांडव वापस वन में चले जाएंगे। और द्रोण मन ही मन कुछ सोचते हैं और बोलते हैं कि यदि अर्जुन युधिष्ठिर की रक्षा नहीं कर रहे होंगे तो तुम युधिष्ठिर को बंदी बना हुआ समझो और युद्ध में तुम अर्जुन को उससे दूर रखने का प्रयास करना, क्योंकि संपूर्ण देवता सहित इंद्र अर्जुन को नहीं जीत सकते, इसलिए मुझे भी उनसे जीतने का उत्साह नहीं है। हालांकि वह मेरा शिष्य है लेकिन उसने देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। लेकिन मूर्ख दुर्योधन युधिष्ठिर को बंदी बना लेने वाली बात पहले से ही सब में फैला देता है, इसलिए गुप्तचरों के द्वारा यह बात शीघ्र ही युधिष्ठिर को पता चल गई। तब युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे पास रहकर ही युद्ध करना ताकि दुर्योधन मुझे बंदी ना बना सके और उसका मनोरथ कभी भी पूर्ण ना हो। इस पर अर्जुन कहते हैं कि मैं गुरु द्रोण को मारना तो नहीं चाहता क्योंकि वह मेरे गुरु हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, मेरे रहते हुए आपको पूरी कौरव सेना भी बंदी नहीं बना पाएगी। यदि सभी देवता इंद्र सहित भी आ जाएं, तब भी मैं आपको बंदी नहीं बनाने दूंगा। इसके बाद व्यूह बनाकर दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं। एक तरफ द्रोण सेनापति थे तो दूसरी ओर धृष्टद्युम्न। सभी पांडव योद्धा कौरव सेना पर हमला कर देते हैं, लेकिन गुरु द्रोण के होते हुए कोई भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वह सेना गुरु द्रोण से सुरक्षित थी। दूसरी ओर कौरव योद्धा पांडव सेना का विनाश करना चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि पांडवों की वह सेना अर्जुन के द्वारा सुरक्षित थी। इसके बाद द्रोण युद्ध में कोहराम मचाना प्रारंभ कर देते हैं। चारों ओर उन्हीं के बाण नजर आते हैं, एक होते हुए भी जिधर देखो उधर ही वह नजर आ रहे थे। उनके डर से पांडव सेना कांपने लगी थी, कोई भी योद्धा उन्हें देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उन्होंने धृष्टद्युम्न के सामने ही बहुत सी पांडव सेना का संहार कर दिया था। द्रोण ने चारों ओर अपने बाणों की वर्षा कर दी। जिस प्रकार भयंकर गर्जन के साथ वर्षा होती है उसी प्रकार द्रोण अपने बाणों की वर्षा करने लगते हैं। हाथी घोड़े सैनिक आदि उनकी बाणों की वर्षा से कट कट कर गिरने लगते हैं। द्रोण के प्रहार ने प्रलय काल के समान वहां से रक्त की नदी प्रवाहित कर दी थी। वह नदी मांसभक्षी जंतुओं से घिरी थी तथा जल की जगह उसमें रक्त भरा हुआ था। रथों की भंवर उठ रही थी, हाथी घोड़ों की लहरें किनारों के समान लग रही थी, कवच उस नदी में नाव की तरह तैर रहे थे तथा वह नदी मांस से भरी हुई थी।
पगड़ियों के समूह फैन के समान लग रहे थे। कटे हुए मस्तक कमल के फूलों के भांति लग रहे थे तथा वह नदी बाणों के द्वारा प्रवाहित हो रही थी और भी कई सारी चीजें उसमें बह रही थी। द्रोण के प्रहार से चिंतित होकर सभी पांडव योद्धाओं ने द्रोण पर प्रहार किया। इसके बाद दोनों पक्षों में भयंकर रोमांचककारी युद्ध होने लगा। शकुनी सहदेव से, द्रोण धृष्टद्युम्न से, भीम विभिन्न सती से, शल्य नकुल से, धृष्टकेतु कृपाचार्य से, सात्यकी कृतवर्मा से, द्रुपद भगदत्त से और भी आदि योद्धा भयंकर युद्ध करने लगे। कर्ण ने भी पांडव सेना की प्रगति को रोके रखा। इस दिन भीमसेन और शल्य का भयंकर युद्ध हुआ था। इस रोमांचकारी युद्ध में भीमसेन शल्य को पराजित कर देते हैं। इस दिन द्रोण ने पांडवों के हजारों योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया था तथा अर्जुन ने अपना भयंकर पराक्रम दिखाते हुए रणभूमि को बाणों से ढक दिया था। द्रोण ने बहुत कोशिश की लेकिन वह युधिष्ठिर को बंदी बनाने में असफल रहे। इस दिन अर्जुन भी कौरवों के बहुत से महायोद्धाओं को मार भगाता है। इस दिन विराट मारा गया। इसी के साथ 11वें दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। इस दिन पांडव पक्ष से विराट मारे जाते हैं। अब सुनिए 12वें दिन के युद्ध में क्या हुआ था। 11वें दिन कौरव युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाए, इसलिए अगले दिन कौरवों ने फिर से योजना बनाई और त्रिगर्त देश के राजा को युधिष्ठिर से बहुत दूर अर्जुन को युद्ध में व्यस्त रखने के लिए कहा, जिससे अर्जुन की अनुपस्थिति में युधिष्ठिर को आसानी से बंदी बनाया जा सके। परंतु अर्जुन समय पर पहुंच गए और उन्होंने फिर से युधिष्ठिर को बचा लिया। अर्जुन को दूर ले जाते समय युधिष्ठिर के साथ सात्यकी थे। सात्यकी ने द्रोण के रथ का पहिया काट दिया और रथ के सभी अश्वों को मार गिराया। सात्यकी ने कौरव पक्ष के अनेक शक्तिशाली योद्धाओं का वध किया था, जिनमें सुदर्शन मिलेच्छों की सेना, जलसंधि तिरगर्तों की गज सेना, कर्ण का पुत्र प्रसन्न और सुदर्शन आदि थे। भूरी सिरबा ने हर बार सात्यकी को पराजित किया था और हर बार उसे अर्जुन और कृष्ण द्वारा बचाया गया। इस दिन दोनों ही पक्षों में बराबर की टक्कर थी। इस दिन पांडव सेना से द्रुपद तथा कौरव पक्ष से तिरगर्त नरेश मारे जाते हैं। अब जानिए 13वें दिन के युद्ध में क्या हुआ। दुर्योधन ने राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजा। भगदत्त ने भीम को पराजित किया और इसके पश्चात भगदत्त और अर्जुन का युद्ध हुआ। इसी बीच भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र से प्रहार किया। श्री कृष्ण ने वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा की। भगदत्त की आयु बहुत अधिक होने के कारण उसके माथे की खाल आंखों तक आती थी, जिससे उन्हें दिखना बंद हो जाता था। खाल आंखों पर ना आए इसके लिए भगदत्त माथे पर पट्टी बांधते थे। अर्जुन भगदत्त पर प्रहार करके उनके आंखों की पट्टी खोल देता है, जिससे भगदत्त को दिखना बंद हो गया और इसी अवसर का फायदा उठाकर अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। इसी दिन ऐतिहासिक व्यूह चक्रव्यूह की रचना कौरवों के द्वारा की गई थी। युधिष्ठिर के लिए रचे गए चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अभिमन्यु ही जानता था, परंतु चक्रव्यूह से निकलना अभिमन्यु को ज्ञात नहीं था। अभिमन्यु के साथ भीम और सभी साथी चक्रव्यूह के द्वार पर पहुंचे। वहां उन सबको जयद्रथ ने रोक लिया और केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर सका। और फिर कर्ण के कहे अनुसार कौरव पक्ष के साथ महान योद्धाओं जयद्रथ अश्वत्थामा, कर्ण द्रोण लक्ष्मण दुर्योधन शकुनी इन सब ने मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया। अपने पुत्र अभिमन्यु के वध की सूचना सुनकर अर्जुन ने सूर्य अस्त से पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने वचन लिया कि यदि यह संभव नहीं हो सका तो अर्जुन अग्नि समाधि ले लेंगे। इस दिन कौरव पक्ष मजबूत रहा, परंतु पांडवों को अभिमन्यु की मृत्यु के कारण एक बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा। आइए अब जानते हैं कि 14वें दिन क्या हुआ था। 14वें दिन अर्जुन की अग्नि समाधि प्रतिज्ञा को सुनकर कौरव बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जानते थे कि जयद्रथ जैसे महान योद्धा को इतने कम समय में पकड़कर उसका वध करना अर्जुन के लिए संभव नहीं है। और साथ ही कौरवों ने निश्चय किया कि जयद्रथ को किसी भी कीमत पर बचाकर ही रहेंगे और अर्जुन को अग्नि समाधि लेने के लिए विवश होना पड़ेगा। द्रोण ने आश्वासन दिया कि वह जयद्रथ को बचा लेंगे और उन्होंने जयद्रथ को सेना के सबसे पिछले भाग में छिपा दिया। 14वें दिन भूरी सिरबा ने सात्यकी को घेर लिया।
इससे पहले वह सात्यकी के 10 पुत्रों का वध कर चुके थे। जैसे ही वह सात्यकी को मारने के लिए पहुंचे, अर्जुन ने भूरिश्रवा के हाथ काट दिए। तभी सात्यकी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर द्रोण ने विराट और द्रुपद दोनों का वध कर दिया। इसके पश्चात भगवान कृष्ण अपनी माया से सूर्य को ढक लेते हैं, जिससे यह प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त होने वाला है। तब यह देख अर्जुन अग्नि समाधि की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी ओर छिपा हुआ जयद्रथ अर्जुन की समाधि देखने के लिए अर्जुन का उपहास करते हुए बाहर आ जाता है। तभी भगवान कृष्ण सूर्य को अनावृत कर देते हैं और उसी क्षण अर्जुन जयद्रथ को मारकर उसका सिर उसके पिता की गोद में गिरा देते हैं। अश्वत्थामा भी दुर्योधन को काफी समझाते हैं कि देखो, युद्ध और ये मारकाट में कुछ नहीं रखा है, तुम अभी भी पांडवों से संधि कर लो। अर्जुन, कृष्ण और अन्य पांडवों को मैं मना लूंगा, लेकिन दुर्योधन कहते हैं कि अब संधि करने से कोई मतलब नहीं है, ना तो पांडव इन बातों को भूल सकते हैं और ना ही हम लोग। इस दिन दोनों ही पक्षों की बराबर क्षति हुई। आइए अब जानते हैं कि 15वें दिन क्या हुआ था। 15वें दिन गुरु द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने कौरवों की विजय लगभग निश्चित कर ली थी। पांडवों का पक्ष कमजोर देखकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक युक्ति बताते हैं, जिसके अंतर्गत अश्वत्थामा को मारने की झूठी सूचना फैला दी थी, परंतु युधिष्ठिर को असत्य बोलना स्वीकार नहीं था। तब भीम ने अवंती राज के हाथी अश्वत्थामा का वध कर दिया। इसके पश्चात युद्ध क्षेत्र में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी मारा गया। इसी बीच श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, जिससे द्रोणाचार्य को अंत के 2 शब्द सुनाई नहीं दिए। उन्होंने केवल इतना सुना कि अश्वत्थामा मारा गया और द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। यह सुनकर वे शोकाकुल हो उठे और उन्होंने उसी समय अपने शस्त्र त्याग दिए। इसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की छल से मृत्यु का कारण पता चला तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। इसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना में कोहराम मचा दिया था और फिर संपूर्ण पांडव सेना को नष्ट करने के लिए नारायण अस्त्र को प्रकट करते हैं। यह देखकर चारों तरफ आहाकार मच जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी लोग रथों से उतरकर अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर जमीन पर बैठ जाओ और समर्पण कर दो, नहीं तो सबके सब नारायण अस्त्र के सामने मारे जाओगे। सभी ऐसा ही करते हैं और सभी की जान बच जाती है। नारायण अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था। अश्वत्थामा ने सैनिकों को भल्लों से मार मार कर लाशों का पहाड़ बना दिया था। इस दिन अश्वत्थामा पांडवों की सेना का भयंकर संहार करके पांडव सेना में कोहराम मचा देता है। इसके बाद में अश्वत्थामा आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करता है, इससे पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना समाप्त हो जाती है, क्योंकि इससे चारों ओर बाणों की वर्षा होने लगती है तथा आग की लपटें फैल जाती हैं, आकाश से उल्काएं गिरने लगती हैं। इसके बाद चारों ओर अंधकार छा जाता है। इसके कारण अन्य निर्दोष जीव जंतु आदि भी मारे जाते हैं, लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब अश्वत्थामा देखता है कि सभी पांडव बच गए हैं तो उसे उस अस्त्र पर संदेह होने लगता है। तब वह अर्जुन पर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन श्री कृष्ण के कारण अर्जुन फिर बच जाता है। तब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आ जाता है और वह अपना धनुष फेंक देता है और अपनी विद्या पर संदेह करने लगता है। इस दिन कौरव पक्ष ने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक को खो दिया, इसलिए कौरवों को अधिक क्षति हुई। इस दिन कौरव पक्ष से द्रोण मारे जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि 16वें दिन क्या हुआ था। द्रोण के छल से वध किए जाने के बाद कौरवों की ओर से कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करता है और वह नकुल व सहदेव को युद्ध में हरा देता है, परंतु कुंती को दिए हुए वचन को स्मरण करके उनके प्राण नहीं लेता है। फिर कर्ण का अर्जुन के साथ भी भयंकर संग्राम होता है। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ शक्ति के द्वारा घटोत्कच का वध कर दिया, क्योंकि दुर्योधन मायावी घटोत्कच से बहुत ज्यादा घबरा गया था। यह अमोघ शक्ति कर्ण ने अर्जुन के लिए बचाकर रखी थी, लेकिन घटोत्कच से घबराए दुर्योधन ने कर्ण से इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कहा। यह एक ऐसी शक्ति थी
जिसका बार कभी भी खाली नहीं जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन का वध करने के लिए बचाकर रखा था। इसी बीच भीम का दुशासन के साथ युद्ध होता है। वह दुशासन का वध करके उसकी छाती का रक्त पीता है और अंत में सूर्यास्त हो जाता है। इस दिन कौरव पक्ष से दुशासन मारा जाता है। आइए अब जानते हैं कि 17वें दिन के युद्ध में क्या हुआ था। शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए हुए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता है। बाद में वह अर्जुन से युद्ध करने लग जाता है। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। जब भीमसेन कौरवों की पूरी सेना को भगा देते हैं तो सब लोग भागकर कर्ण के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद कर्ण शल्य से कहते हैं कि मुझे पांडवों के रथ के पास ले चलो। इसके बाद कर्ण अपने बाणों की वर्षा से पांडवों की सेना में हाहाकार मचा देते हैं। हजारों वीरों का संहार कर देते हैं। भीम, नकुल, सहदेव, शिखंडी आदि कर्ण को घेर कर उन पर बाणों की वर्षा कर देते हैं, लेकिन कर्ण भी अपने बाणों से उन्हें घायल कर देते हैं। कर्ण के भीषण प्रहार से घबराकर पांडव योद्धा इधर उधर भागने लगते हैं। उन्होंने कई रथों को रथियों से शून्य कर दिया था। यह देखकर अर्जुन भी कौरव सेना का भयंकर संहार कर देते हैं और हजारों योद्धाओं का संहार कर देते हैं। इसी दिन होता है महाभारत का सबसे भयंकर युद्ध, यानी कि अर्जुन और कर्ण का महायुद्ध। यह इतना भयंकर था कि देवतागण भी इसे देखने के लिए उपस्थित हुए थे। जैसे एक पर्वत दूसरे पर्वत के साथ टकराने के लिए उद्धत होते हैं, वैसे ही दोनों वीर बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध भूमि में उपस्थित होते हैं। सबसे पहले कर्ण अर्जुन को 10 बाणों से बींद डालते हैं, तो अर्जुन भी कर्ण को कई बाणों से बींद डालते हैं। इसके बाद अर्जुन कर्ण पर कई बाणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कर्ण अर्जुन के सभी बाणों को काट देते हैं। इसके बाद अर्जुन आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे सभी योद्धाओं के कपड़े जलने लगते हैं और सब लोग भाग जाते हैं। लेकिन कर्ण उस आग्नेय अस्त्र को शांत करने के लिए वरुण अस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे आग्नेय अस्त्र शांत हो जाता है। इसके बाद अर्जुन अर्धचंद्र, नालिक, नराज, बराहकर्ण आदि पैने बाणों से कर्ण पर प्रहार करते हैं, जो कर्ण के शरीर में धस जाते हैं और कर्ण का शरीर छत बिछत हो जाता है और खून बहने लगता है। इसके बाद कर्ण ने भार्गव अस्त्र को प्रकट किया, जिसने अर्जुन के महेंद्र अस्त्र के सारे बाणों को नष्ट कर दिया। कर्ण के बाणों से हाथी घोड़े भी दो टुकड़े में टूट गए। तब भीम अर्जुन से कहते हैं कि द्रौपदी का अपमान ध्यान करो, याद करो इस कर्ण ने हमें नपुंसक कहा था, तुम इसका जल्द ही वध कर दो। इसने तुम्हें शुरू में 10 बाणों से बींद डाला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण तुम्हारे सभी बाणों को काट रहा है, यह तुम कैसे युद्ध कर रहे हो? मोह को छोड़ो और कर्ण का वध कर डालो। इसके बाद अर्जुन को क्रोध आ जाता है और वह ब्रह्मास्त्र को प्रकट करते हैं। इतने में कर्ण उस अस्त्र को वहीं नष्ट कर देते हैं। इसके बाद अर्जुन ने एक दूसरा दिव्य अस्त्र प्रकट किया, जिससे उन्होंने बाणों की वर्षा से संपूर्ण सूर्य की किरणों को ढक दिया। उस दिव्य अस्त्र से शूल, फरसे, तलवार आदि प्रकट होने लगे, जिससे बहुत से योद्धाओं का संहार होने लगा और कर्ण का रथ भी ढक गया। घोर बाणों की वर्षा ने दुर्योधन की पूरी सेना का संहार कर दिया था। इसके बाद कर्ण ने भी 3 बाणों से भीम, अर्जुन और कृष्ण को घायल कर दिया था। इसके बाद भीम और अर्जुन ने भी कर्ण को कई बाणों से घायल कर दिया था। फिर वापस कर्ण ने कृष्ण, अर्जुन तथा अन्य पांडवों को बुरी तरह से घायल कर दिया था। इस प्रकार कर्ण और अर्जुन का युद्ध काफी समय तक चलता रहता है। इस प्रकार युद्ध में दोनों पक्षों के लोग घायल होते रहते हैं। अर्जुन कर्ण का वध करने के लिए जिस भी दिव्य अस्त्र का प्रयोग करते हैं, कर्ण आकाश में ही उसे काट देता था। दोनों महायोद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करते करते थक जाते हैं, लेकिन कोई भी किसी को मारने में सफल नहीं होता है। कर्ण का शरीर छलनी छलनी हो जाता है। तब कर्ण सर्पमुख बाण के प्रहार का विचार करते हैं। इसे उन्होंने अर्जुन को मारने के लिए बचाकर रखा था। उस बाण को छोड़ते ही चारों तरफ आग की लपटें फैल जाती हैं तथा आकाश से उल्काएं गिरने लगती हैं, लेकिन श्री कृष्ण इस बाण से अर्जुन को बचा लेते हैं। दोनों वीर एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद उन दोनों में काफी समय तक
भयंकर युद्ध चलता रहता है, लेकिन अर्जुन कर्ण को नहीं मार पाते। फिर कर्ण के रथ का पहिया धसने पर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन द्वारा असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर दिया जाता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह खो बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत तक मार देते हैं। इस दिन कौरव पक्ष से कर्ण, शल्य और दुर्योधन के 22 भाई मारे जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि 18वें दिन के युद्ध में क्या हुआ था। इस दिन बचे हुए कौरव योद्धा कर्ण के मारे जाने की वजह से भयभीत हो जाते हैं और वह युद्ध भूमि को छोड़कर डरकर भाग रहे थे, लेकिन दुर्योधन समझा बुझाकर पुनः अपने सैनिकों को युद्ध भूमि में ले आता है। इस दिन भीम बचे हुए 25,000 सैनिकों का वध कर देते हैं। इस दिन पांडव कौरवों की सेना को खदेड़ खदेड़ कर मारते हैं। इस दिन पूरी युद्ध भूमि शमशान भूमि के समान दिखाई पड़ रही थी। दुर्योधन अपने योद्धाओं के मारे जाने के कारण शोक में डूब गया, उसने युद्ध से मुंह मोड़ लिया। तब कृपाचार्य दुर्योधन को दुखी देखकर उससे कहते हैं कि युद्ध में कर्ण, द्रोण, भीष्म जैसे महायोद्धा भी अर्जुन को नहीं हरा पाए, तो अब ऐसा कौन बचा है जो उनको पराजित कर सके। उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको नहीं हराया जा सकता है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है, हम बहुत कमजोर हो चुके हैं, इसलिए मेरी बात मानो और तुम पांडवों से संधि कर लो। तब दुर्योधन कहते हैं कि हमने पांडवों के साथ छल किया है, जुए में छल से उनका राज्य छीना है, ऐसे में वह हम पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। कृष्ण ने भी मुझे समझाया था, हमने द्रौपदी को भी लज्जित किया था, ऐसे में हमारी बात वह कभी नहीं मानेंगे, इसलिए युद्ध करके अपने प्राण त्यागने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। 18वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई। सेनापति अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के कृतवर्मा द्वारा रात्रि में पांडव शिविर पर हमला किया गया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी आदि का वध किया। पिता को छल पूर्वक मारे जाने का जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई। यह देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक कौड़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दे डाला। इसी दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए भाइयों को मार देता है, सहदेव शकुनी को मार देता है और अपनी पराजय हुई जानकर दुर्योधन भागकर सरोवर के स्तंभ में जा छुपता है। इसी दौरान बलराम तीर्थ यात्रा से वापस आ गए और दुर्योधन को निर्भय रहने का आशीर्वाद दिया। छिपे हुए दुर्योधन को पांडवों के द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है और छल से जंगहा पर प्रहार किए जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजयी होते हैं। इस दिन पांडव पक्ष से द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी मारे जाते हैं तथा कौरव पक्ष से दुर्योधन मारा जाता है। इसके बाद क्या होता है जानेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, यह था महाभारत के 18 दिनों का वृतांत, जिसको मैंने पूरा महाभारत की किताब पढ़कर बनाया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थैंक्स बटन के माध्यम से हमें थैंक्स गिफ्ट करें, ताकि सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही और भी वीडियोस हम आपके लिए बना सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।